देख यहाँ पे, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हम जो ड्रॉ कर रहे हैं कैसे करके, ये क्या है, रूट है, ठीक है। तो रूट का यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइमरी रूट है। दो तरह का रूट तुम लोग देखते हो, एक रूट होता है तुम्हारा कौन सा, टैप रूट, और एक जो दूसरा रूट तुमको यहाँ दिख रहा है ये कौन सा रूट है, कोई बच्चा बता पाएगा? फाइब्रस फाइब्रस रूट, वेरी गुड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, वन इज टैप रूट एंड द अदर इज फाइब्रस रूट। तो भैया जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें टैप रूट होता है, क्योंकि ये बड़ा होता है और प्लांट को होल्ड करके रखता है सॉइल से, ठीक है। दूसरा ये फाइब्रस रूट होता है जो कि ब्रांच रहता है काफी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इनका मेनली पर्पस यहाँ पे प्लांट को पकड़ के रखना नहीं है, मेनली पर्पस क्या है, प्लांट से सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो तुम लोग को ये चीज पता चल गया अभी तक कि रूट का दो फंक्शन होता है, वो क्या फंक्शन होता है जरा बताओ मेरे को, कोई बच्चा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड होल्ड अप, वेरी गुड भैया, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अब एक नया वर्ड आएगा तुम लोग को बार बार, ठीक है, वो वर्ड क्या है, वो है सैप। तो सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल। तो भैया पानी को अगर मिनरल के साथ मिला दिया जाए, ठीक है, पानी को अगर मिनरल्स के साथ मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, सैप कहलाता है, ठीक है। अगर डिक्शनरी में जाके ढूंढोगे इसका मतलब तुमको जूस मिलेगा, ठीक है, लेकिन हम तुमको यहाँ बायोलॉजी के टर्म्स में ये बताना चाहते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स बुलाते हैं उसको, ठीक है। तो सब बच्चा लोग इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद तुम लोग देखो, हम सीधे चैप्टर पे जम कर जाते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या बता रहा है, ठीक है, और इसके बाद एक एक प्रोसेस तुमको बताना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला चीज ये एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, तो एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, तो क्या एब्जॉर्ब करता है भैया, वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स लेता है वो दो तरह का न्यूट्रिएंट्स लेता है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो और माइक्रो में यही डिफरेंस रहता है कि जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और प्लांट को जो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये दो तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, प्लांट को भी जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, तो ये दो चीज जो है प्लांट को मिलते रहता है, कहाँ से, ये हम प्लांट को मिलते रहता है सॉइल से। तो ये बात बता दिया, अगर तुम लिखना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। भैया मैक्रो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, माइक्रो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है। तो तुम लोग जो फर्टिलाइजर सुनता है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, दीज ऑल आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट को नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है, और तुमको भी पता है कि प्रोटीन का मेन कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या होता है, बताओ कोई, What is the main constituent of protein? Anyone? Nitrogen. ठीक है, वो क्या हो जाता है, तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना। तो यही बात इसमें बताया है। अब इसके बाद लिखता है नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट। तो प्लांट को क्या चीज का काम होता है यहाँ पे, वाटर और मिनरल्स का क्या काम पड़ता है, तो चलो देखते हैं करके। तो सबसे पहला प्रोसेस बताता है फोटोसिंथेसिस, एवरीवन नोज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, अगर नहीं पता तो फिर इसके बाद एक चैप्टर आने वाला है फोटोसिंथेसिस, उसमें और हम लोग पढ़ेंगे। तो खाना बनाने के लिए प्लांट को पानी का बहुत दरकार है भैया, ट्रांसपिरेशन में काम है, ट्रांसपोर्टेशन में काम है, और मैकेनिकल स्टिफनेस में काम है। अब ये व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल स्टिफनेस, तो तुमको सीधा से एक एग्जांपल लेके ये बता देते हैं कि अगर तुम देख रहे हो स्टोमेटा खुल रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो स्टोमेटा को खुलना पड़ेगा, ये स्टोमेटा में पानी भरता है, तब जाके भैया क्या हो जाता है, बल्ज आउट करता है, दैट इज टर्जिड हो जाता है, खुल जाता है, और तब जाके ये क्या होता है, स्टोमेटा खुलता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए भी पानी का दरकार पड़ रहा है भैया, तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है। तो मैकेनिकल स्टिफनेस यहाँ पे यही आ गया, किसी भी चीज में अगर पानी भर गया वो स्टिफ हो गया, यहाँ पे कड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे यही बात बताया। फोटोसिंथेसिस, वाटर इज यूज्ड अप इन द ग्रीन प्लांट एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, सो ग्लूकोज बनाने में काम आता है। ट्रांसपिरेशन में क्या लिखता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पास्ड आउट एज वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, फॉर कूलिंग इन हॉट वेदर, फॉर प्रोड्यूसिंग अ सक्शन फोर्स। तो ये सब चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, एकदम टेंशन लेने का काम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे और आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन पे अगर चलते हैं तो तुमको भी पता है जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर कौन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बता, ब्लड वेसल, वेरी गुड, ब्लड वेसल्स नहीं, ब्लड। ब्लड में क्या हो रहा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, आज कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है प्लाज्मा का, ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, हम तुमको बताते हैं, ब्लड जो होता है वो वाटर का बना हुआ रहता है माने, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा जो है, ठीक है, वो येलो कलर का होता है। ब्लड को कलर जो देता है वो रेड कलर वो होता है आरबीसी, जिसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन।
तो ये सब मिलके क्या करता है, ब्लड बनाता है। तो ब्लड जो है मेनली क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। उसी तरह यहाँ पे पानी जो है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पहुंचाता है इधर से उधर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आता है मैकेनिकल स्टिफनेस, वाटर प्रोवाइड टर्जिडिटी, जो हम वर्ड यूज किए थे तुम लोग उस समय। टर्जिडिटी का मतलब होता है फुली डिस्टेंडेड कंडीशन विच इज नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ अ प्लांट। तुम लोग एक नाम सुना होगा छुई मुई प्लांट का, ठीक है। छुई मुई प्लांट का वो क्या होता है, अगर उसको पत्ते को छूते हैं तो अपना पत्ता मुरझा देता है, तो उसका बायोलॉजिकल नेम है मिमोसा पुडिका, जो तुम लोग पढ़ोगे इसी साल। आता है क्वेश्चन व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ टचवी नॉट प्लांट, तो तुमको लिखना है मिमोसा पुडिका। तो वो मिमोसा पुडिका जो होता है उसमें भी सेम चीज यही होता है। और तुम लोग इस साल एक और टॉपिक पढ़ोगे प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में भी, ठीक है, कैसे प्लांट कोऑर्डिनेशन लाता है अपने में, वो चीज भी पढ़ोगे। तो अलग अलग प्लांट में भी मूवमेंट होता है, जैसे तुमको बताते प्लांट क्या करता है, जैसे सनफ्लावर जो होता है अपना फेस सन की तरफ कर लेता है। तो ये बात सच है, ये बात सच है कि सनफ्लावर सन की तरफ अपना, वो एक ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाता है। प्लांट भी सर्टन, देखो एक बात पढ़ा था तुम लोग, प्लांट जो होता है वो क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है। हम लोग जो है, हम लोग मूवमेंट प्लस लोकोमोशन दोनों शो करते हैं। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन, बट एक ही जगह पे रह के ऊपर नीचे कर रहे हैं तो दैट वी कॉल इट मूवमेंट। तो ये बात ध्यान रखना। तो प्लांट जो होता है वो अपना लोकोमोशन, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, लेकिन एक जगह पे रह के वो मूवमेंट शो करता है। तो सन के डायरेक्शन में अगर कोई प्लांट मुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। उसी तरह यहाँ पे जैसे छुई में प्लांट छूने से क्या हो जाता है, वो अपना पत्ता झाड़ देता है, तो इसको थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट बुलाते हैं। ये भी पढ़ोगे इसी साल, तो हम तुमको ऐसे ही बता दे रहे क्योंकि रिलेटेड है यहाँ पे। अब इसके बाद देखो नीड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, हम तुमको बताए दो तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। तो यहाँ पे तुम देख सकता है एज आयंस के फॉर्म वाला जितना दिया है ना तुम लोग को, ये जितना आयंस के फॉर्म में दिया हुआ है मैग्नीशियम क्लोरीन, हम तुमको पहले ही बता देते, ये सारा का सारा जो है वो क्या है तुम्हारा, ये सारा का सारा तुम्हारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। ये जितना का जितना है सारा क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये सारा का सारा जो है ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, तो अब यहाँ से ये बायो बोर्ड एग्जाम का पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ये डायग्राम को सब बच्चा यहाँ पे लिख लो, तुम लोग जो भी लिखता हो, हम तो डी लिखवाते हैं बच्चा लोग से, ये डी लिख लो या स्टार मार्क कर लो कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको बताने से पहले हम तुमको दो चीज बताएंगे आज, पहला चीज ऑस्मोसिस। तो चलो हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस। बहुत बच्चे को पता ही होगा ऑस्मोसिस के बारे में क्योंकि पढ़ा हुआ है, लेकिन आज एकदम क्लियर कर लो क्योंकि इसमें बहुत बच्चे को कंफ्यूजन भी होता है। हम आज तुमको बताएंगे ऑस्मोसिस को डिफाइन करने का दो तरीका होता है, ऑस्मोसिस को डिफाइन करने का दो तरीका होता है। एक करते हैं हम लोग सुगर के बेसिस पे, सुगर के बेसिस में बोलने का मतलब है सॉल्यूट के बेसिस पे, और एक हम लोग करेंगे क्या चीज के बेसिस पे, एक करेंगे वाटर के बेसिस में। वाटर बोले तो वो क्या हो गया भैया, सॉल्वेंट हो गया। वाटर बोले तो क्या हो गया बताओ, सॉल्वेंट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या डिफाइन करेंगे भैया, तो यहाँ पे देखो अगर हम सुगर के बेसिस में डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो देखो कहाँ से कहाँ होता है, लो कंसेंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हाई कंसेंट्रेशन। अब भैया ये आप क्या बोल रहे हो, आप तुम लोग ऐसा कुछ ही नहीं पढ़े, रुक जाओ बस थोड़ा देर। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसेंट्रेशन से किस तरफ होता है, लो कंसेंट्रेशन। हाँ भैया ये तो हम लोग पढ़े हैं, तो हमेशा ये चीज जाने कि कोई भी चीज जो मूवमेंट करता है वो हाई टू लो जाता है, हाँ एकदम जाता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में डेफिनेशन लिखता है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। तो ये डेफिनेशन भी सही है, लेकिन तुमको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि हम लोग को ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट करवाना है, जल्दी बताओ, वाटर लगाया कुछ भी आगे जाके एकदम भी। हम तुमको पहला ही याद एक लाइन बोल देते हैं, आगे जितना क्वेश्चन आने वाला है इस पे हम लोग सिर्फ किस पे बतने वाले हैं, रेफर करने वाले हैं वाटर पे। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये बात सब बच्चा दिमाग में एकदम रखेगा, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक वर्ड भी गया तो पूरा डेफिनेशन का चौपट हो जाएगा। तो तुमको फिर से बता रहे, पहली बात है तुम लोग अपने मन में बोलना ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का हाई कंसेंट्रेशन से किसके तरफ, टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब जैसे देखो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे, ठीक है, यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे ऐसे करके, हम यहाँ पे ये दिखा दिए क्या ये चीनी है, ठीक है, ये क्या है चीनी, और साथ में हम यहाँ पे डाल दिए पानी भी, यहाँ पे क्या डाल दिए पानी भी।
और फिर यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाए और इधर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पानी का मॉलिक्यूल बनाए और यहाँ पे हम बताए चीनी का मॉलिक्यूल। तो अब मेरे को तुम लोग खाली ये बताओ, जवाब दो, यहाँ पे जवाब दो कि मूवमेंट जो होगा वो किधर से किधर होगा, ए से बी की बी से ए, बी टू ए, बी से ए, बी टू ए। वेरी गुड। तो ठीक है, तो सब सब बच्चा ये चीज समझो कि पानी का जो मूवमेंट होगा भैया वो किधर से किधर हो जा रहा है, तुम लोग बता रहे हैं बी टू ए। तो ये लोग को देखा, जो जो आंसर क्या आया, जो इसको मन में आया, वो लोग ये देखा कि वाटर मॉलिक्यूल जो बी साइड ज्यादा है, ठीक है, इनका रीजन यहाँ पे, इनका कंसेंट्रेशन जो है वो यहाँ पे क्या है, हाई है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन जो है हाई है और यहाँ पे पानी का कंसेंट्रेशन क्या है, लो। तो पानी बता कहाँ से कहाँ जा रहा है तुम लोग, और ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो भैया मूवमेंट नहीं होगा, तो ये बात एकदम लिखना जरूरी है। अब हम लोग फिर से बात करते हैं कितना परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है भैया। सबसे पहला मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या कहलाता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड, जैसे कार्मल स्कूल, जोसेफ स्कूल, असिसी स्कूल, टेरेसा स्कूल्स का गेट हुआ, सेलेक्टेड स्टूडेंट, टेरेसा का ही बच्चा जाएगा, जोसेफ का ही बच्चा जाएगा या कार्मल या असिसी का ही बच्चा जाएगा। तो उसी तरह एक है हम लोग का जिला स्कूल का गेट, सारा स्कूल का बच्चा घुस जाता है वहां खेलने, ठीक है, तो ये फ्रीली परमेबल है। और एक होता है तुम्हारा कौन सा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ इसके मॉलिक्यूल्स को आने जाने देता है, जल्दी बता, वाटर मॉलिक्यूल। ये सेलेक्टिव का मतलब है सेलेक्टेड सब्सटेंस को, और फ्रीली क्या होता है, किसी को भी आने जाने दे रहा है भैया, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या चीज का मूवमेंट करवाएंगे, पानी का, और किसी का भी मूवमेंट नहीं करवा सकते, तो ये बात को ध्यान रखना। तो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो अब हम तुमको एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट बताना चाहेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। याद करो तुम लोग पढ़ा था पोटैटो ऑस्मोस्कोप, क्या पढ़ा था तुम लोग, पोटैटो ऑस्मोस्कोप, बहुत बच्चे को याद होगा, बहुत बच्चा भूल भी गया होगा। आलू ले लेते हैं भैया, उसको नीचे से छील देते, ले छील दे, ठीक है, ऐसे करके क्या कर दिए, छील दिए ताकि ये बीकर में खड़ा हो सके। इसमें ऐसे करके कांटी डाल दिए और इसमें ऐसे करके पानी डाल दिए, ठीक है, क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, बाहर भी पूरा पानी डला हुआ है, बाहर भी पूरा क्या डला हुआ है, पानी डला हुआ है। अब जरा सा हमको एक बात बताओ, हम क्या किए, ठीक है, हम क्या किए, इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए, इसमें थोड़ा सा क्या कर दिए, चीनी डाल दिए। मेरे को तुम लोग बताओ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करोगे, जिन बच्चा से पूछेंगे वही बताना, अपना सत्यम हीरो जल्दी से बता क्या ऑब्जर्व करेगा तू, गुप्ता। हाँ भैया। सत्यम, हाँ, तो क्या ऑब्जर्व करेगा सत्यम, थोड़ा जल्दी बोल दे, कौन कौन बताना चाहेगा हाथ उठा, सत्यम शिवानी है बगल में, नहीं भैया, बच्चा इसको आंसर पता होगा। अब देखो ये स्कूल में एग्जाम में तुम लोग से जो क्वेश्चन पूछेगा, अब से कैसे पूछेगा, बोलेगा 20% सुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ये चीज को समझना जरा सा, तुम लोग को अब से ऐसे करके लिखा रहेगा 20% सुक्रोज, ठीक है, 20% सुगर सॉल्यूशन या 20% सुक्रोज, कुछ भी ऐसे करके लिख दिया। तो अब देखना है तुमको यहाँ पे होगा क्या, तो अगर हम 20% सुक्रोज लिखे तो इसका मतलब कितना परसेंट पानी है अंदर, यहाँ पे 80%, यहाँ पे पानी कितना है बाहर में, 100%, तो पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम बीकर टू पोटैटो, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, तो बीकर से पानी इसमें जाएगा, तो नेल का जो यहाँ पे है, ये नेल का पिन जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा और राइज हो जाएगा। अगर मान ले यहाँ ए पे आ रहा था, बी पे आ जाएगा, तो ये क्यों हुआ, ये ऑस्मोसिस के कारण हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है पोटैटो ऑस्मोस्कोप का, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस दिखाना चाह रहा है, ऑस्मोसिस। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आलू का छिलका है वो किसके तरह एक्ट किया है, आलू का छिलका किसके तरह, आलू का छिलका जो है भैया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट किया। चलो मेरा काम खत्म हो गया, हमको यही समझाना था। अब भैया यहाँ पे देखिए, ये है वापिस से आपका टैप रूट, और ये है आपका सेकेंडरी रूट, ये टर्सरी रूट, और इसमें छोटा 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 ऐसे करके बहुत छोटा छोटा क्या होता है, हेयर्स रहता है, टाइनी हेयर्स। इसको अगर हम मैग्नीफाई करें, ठीक है, इसको हम क्या करें, अगर मैग्नीफाई करें तो ये कुछ ऐसे करके तुमको दिखेगा, ठीक है, ये जो हेयर है, ठीक है, इसी को मैग्नीफाई किए तो तुमको ये ऐसे करके क्या होगा, दिखेगा, डबल मेम्ब्रेन होता है। अभी इसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसको और अच्छा फिगर हम तुमको बताएंगे।
तो ये जो है सबसे पहला चीज हम बात बताना चाह रहे हैं, ये किसका डायग्राम आपको भैया बना के दिखाए, ये है रूट हेयर, ठीक है, ये क्या है रूट हेयर। तो अब हम तुमको ऑस्मोसिस बता रहे, हम तुमको यहाँ पे बताए सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के बारे में, तो वही चीज अब हम तुमको यहाँ पे बुक में डालने वाले कि रूट हेयर जो आया, रूट पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है, क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है रूट के पास जो पानी को उसको एब्जॉर्ब करने में मदद कर रहा है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इनके पास जो होता है टाइनी न्यूमरस हेयर्स होता है, ठीक है, टाइनी न्यूमरस हेयर्स होता है जो कि क्या करता है सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। हम पहले भी तुम लोग से पूछ चुके हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में हम ऐसे ऐसे करके बहुत सारा लाइन बना देते हैं, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है, तो बताओ मेरे को किसका एरिया सबसे ज्यादा है, ए का कि बी का? बी का, ये सब अच्छा बी का सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, क्योंकि भैया ऐसे करने से ज्यादा वो क्या कर सकता है पानी का एब्जॉर्ब कर सकता है, तो टाइनी हेयर्स जो होने के कारण से इसका क्या बढ़ गया जल्दी बताओ, सरफेस एरिया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखते हैं, टाइनी एंड न्यूमरस हेयर्स, ठीक है। अब ये क्या बढ़ा देता है इसका रीजन, अब इसका क्या फायदा है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, ठीक है, जो क्या बढ़ा देता है सरफेस एरिया, विच इंक्रीजेस, ठीक है, विच इंक्रीजेस क्या इंक्रीज करता है बताओ, रेट ऑफ ऑस्मोसिस, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाँ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, वेरी गुड। तो टाइनी और न्यूमरस हेयर होने से तुमको भी समझ में आ गया क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो गया बढ़ गया। सेकेंड पॉइंट इज, ये जो भैया हेयर है इट इज मेड अप ऑफ विच मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, वेरी गुड, इट इज मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सिर्फ सिलेक्टेड सब्सटेंस पानी को ही जाने देता है तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या होगा, तीसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, तीसरा इसका जो मेन पॉइंट हो जाएगा, इट हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ सेल सैप अगर ज्यादा नहीं होगा भैया तो पानी को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लांट के रूट को क्या करता है हेयर को अलग बनाता है ताकि पानी को वो क्या कर सके एब्जॉर्ब कर सके। अब हम तुमको लेबलिंग सिखाएंगे, ठीक है, चलो लेबलिंग दिखाते हैं बुक से, तो सब बच्चा देखना जरा सा, यहाँ पे जरा फोकस करो, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे देख, तो लेबलिंग के नाम पे यहाँ पे पहले तो यही चीज देखो, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है दैट इज योर न्यूक्लियस, बड़ा बड़ा व्हाइट वाला देख यहाँ पे, ये जो पूरा का पूरा है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो दिखाएंगे अभी, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये वैक्यूल है, ये पूरा का पूरा क्या है वैक्यूल है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होता है भैया, प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगा ही, ठीक है, और यहाँ पे यही चीज तुमको ध्यान रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, सरफेस एरिया का बात करता है, तो पहले हम यही चीज बता रहे, देख इसका ये कितना सारा इसका सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा होगा, ठीक है। तो लिखता है इट हैज कॉमन एक्सपीरियंस दैट इवन ए स्मॉल गार्डन प्लांट सच एज बालसम एंड जेंटली अप्रूटेड, आराम से जब उसको बाहर निकालेंगे फ्रॉम दिस सॉइल शोज अ थिक बंच ऑफ रूटलेट्स, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड ईच रूटलेट वुड शो हंड्रेड्स ऑफ रूट हेयर, बहुत सारा रूट हेयर रहता है। If all the root hairs of this plant were to be laid end to end, it will बोलता है ये किलोमीटर तक आए, तो कोई काम नहीं है सब पढ़ने का, ठीक है, सीधा सा बात हम यही बताए तुमको, टाइनी न्यूमरस होने से क्या फायदा होता है भैया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या फायदा होता है भैया, एब्जॉर्प्शन में आराम मिलता है। फिर आता सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, भैया बहुत बढ़िया बात है, थिन होने का इंपॉर्टेंस है, तो थिन और सेमी परमेबल लिखना आगे पॉइंट, थिन और सेमी परमेबल होने का मतलब ये हो गया पतला। एक चीज ध्यान रखना, प्लांट सेल में जब भी तुम कोई चीज पढ़ोगे या कहीं पे भी पढ़ोगे कि कोई चीज मोटा है या एक पतला है, तो मोटा का कारण होता है कि प्रोटेक्शन, थीन का काम होता है कि वहां से सब्सटेंस आना जाना है तो वहां पे डिफ्यूजन होता है, इस कारण से वो चीज क्या रहता है थीन रहता है। तो यहाँ थीन होने का कारण तुमको भी समझ में आता है कि वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब, देयरफॉर इट मस्ट बी थीन। दूसरा बात है सेमी परमेबल, वो तो हम बता ही दिए तुम लोग को सेमी परमेबल, और तीसरा बात क्या बताएगा बताओ, तीसरा बात बताएगा सेल्स कंसेंट्रेशन का सैप के बारे में,
रूट हेयर कंटेन सेल्स हैव ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन देन सराउंडिंग वाटर. बाहर का कंसंट्रेशन से अंदर का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है. तो बाहर का पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो चलो वो वाला फिगर एक बार वापिस ले चलते हैं तुम लोग को. यहाँ पे हम फिगर बनाए थे, अब जरा सा देखना है यहाँ पे, यहीं पे बात करते हैं. तुम लोग देख यहाँ पे हम ब्राउन कलर तो अभी आज तो यूज नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके सॉइल पार्टिकल्स है. ठीक है, ये ग्रीन कलर तुम लोग समझ जाए यहाँ पे कि ये सॉइल पार्टिकल्स है, और इसके बीच में ऐसे करके तुम्हारा ब्लू कलर वाटर पार्टिकल्स है, अगल बगल में पानी का. तुम लोग मेरे को बताओ यहाँ पे पानी का बोला सेल सैप हाई कंसंट्रेशन का होता है. ठीक है, हाई अंदर में सेल सैप, हाई सेल कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप. तो सेल सैप का अंदर अगर हाई कंसंट्रेशन है तो बताओ पानी का कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है. बाहर में पानी का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है. तो अब तुम लोग मेरे को बताओ हाई दोनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन हाई सेल सैप कंसंट्रेशन का मतलब क्या चीज का कंसंट्रेशन अंदर बता रहा है ज्यादा, सॉल्यूट का, मिनरल सॉल्यूट का, सॉल्यूट बोलो. ठीक है, मिनरल तो बाहर ही ज्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अंदर क्या है, ज्यादा है. लेकिन हमको सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं, हमको किससे लेना है, पानी से लेना है. तो पानी बाहर ज्यादा है, पानी बाहर अगर ज्यादा है कंसंट्रेशन, तो पानी तो भैया एक ही जगह मूव करेगा, अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा. तो ये देखो सारा का सारा पानी कहाँ जाने लग जाएगा, अंदर जाने लगेगा, और अंदर जाने जाएगा सेमी परमेबल के थ्रू. तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, ऑस्मोसिस कहेंगे. तो ये चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे यही बात बताया और कुछ भी नहीं बताया. ठीक है, तो चलो वापिस से बुक पे चलते हैं. अब इसके बाद देख, रूट हेयर आर द एक्सटेंशन ऑफ आउटर एपिडर्मस ऑफ द रूट. तो तुम लोग यहाँ पे जो फिगर दिखा रहे थे इसको एपिडर्मिस बुलाते हैं. ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं, एपी यहाँ पे देख, ये वाला जो लेयर तुमको दिख रहा है बाहर वाला है, पूरा का पूरा जो है ये किस क्या बुलाते हैं इसको, एपिडर्मिस. ठीक है, तो हम तुमको वो भी दिखा देते, एक फिगर है एपिडर्मिस होता है, फिर तुम्हारा बीच वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, और फिर तुम्हारा इंडोडर्मिस कहलाता है. वो भी फिगर था, चलिए देख. पेज नंबर इसमें देख सकता है तुम दिख रहा है तुम लोग को. ठीक है, यहाँ पे देख, तो ये तुम लोग अगर देखेगा, हम तुम लोग को मार्क कर देते हैं, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों डायग्राम एक ही चीज है. तो लेबलिंग आता है, लेबलिंग के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये बाहर जो रेड बना है, ठीक है, इस रीजन को खाली कहते हैं हम लोग एपिडर्मिस, इसको क्या बुलाते हैं, एपिडर्मिस. फिर यहाँ पे देखो जो ब्लैक कलर से कर रहे हैं ये है इंडोडर्मिस, ये क्या है, इंडोडर्मिस. जो ग्रीन वाला पार्ट है That is your cortex. ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, cortex है. फिर ये जो आ जाता है अंदर में ये, ठीक है, ये pericycle है. इसको तुम समझो ये ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, ये भैया horizontal है. ठीक है, लेकिन ये जो है ये blue वाला part is vertical. इसी के अंदर में रहता है. अब इसको भी हम दो region में divide कर रहे हैं. ठीक है, जो green वाला part है पता है वो क्या है, That is phloem. ठीक है, वो क्या है, phloem. और जो बड़ा blue part होता है xylem, वो तुमको भी पता है क्या काम में आता है. तो ये जो रिंग्स होता है ना भैया, इस रिंग को काउंट करके हम लोग बता सकते हैं प्लांट का लाइफ कितना है. तो जाइलम इज मेनली फॉर क्या, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम इज मेनली फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये जो अरेंजमेंट है प्लांट में, वो चीज अभी हम तुमको बताए, बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, बीच वाला लेयर कॉर्टेक्स, एंड दी अंदर वाला लेयर इज एंडोडर्मिस. फिर तुम्हारा पेरिसाइकिल आता है, पेरिसाइकिल में तुमको हम बता दिए क्या हो रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये भूलना मत, यहाँ पे ये बात बताया है. अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, वापिस चलते हम लोग पीछे. अब यहाँ पे आ जा, देख,
तो ये चीज हम आप लोगों को बता दिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेल वॉल इज थिन एंड परमेबल, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द सेल। कोई बच्चा दिमाग में ये चीज रखना ही मत, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मूवमेंट होता है, वाटर और सेल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। और म्यूट कर ले, म्यूट कर लो जो भी है। अब आता है यहाँ पे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो तुमको यही चीज बताए, अब ऑस्मोसिस फिर आएगा, टेंशन नहीं लेना, अभी तो और बताएंगे, अभी तो हम तुमको बस वहाँ पे ये टॉपिक समझ में आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रूट हेयर, इसीलिए ऑस्मोसिस बताए। अब थर्ड में देखो ऑस्मोसिस फिर आ रहा है, ठीक है। फिर पहला हम तुमको आज दो और बताते, एक होता है इम्बिबिशन और दूसरा होता है डिफ्यूजन। तो चलो इम्बिबिशन के बारे में बताते, जो तुम लोग सब जन नोटिस किया है, मम्मी लोग घर में क्या करती है, चना रात में रख देती है और सुबह देखती है फूल जाता है, तो वो फूल जाता है मतलब पानी क्या हो जाता है, वो फट जाता है। याद करो, कौन बता सकता है मेरे को, व्हाट आर द टू कवरिंग्स ऑफ द सीड, किसी को याद है, पढ़ा था लास्ट ईयर, टेस्टा आउटर कवरिंग इज हार्ड, ठीक है, एंड टेगमेन इज द इनर लेयर। तो वो जो टेस्टा टेगमेन को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, वो कौन कर देता है, पानी फाड़ देता है। तो पानी जो फाड़ देता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्बिबिशन, इसी को क्या बुलाते हैं, इम्बि। अच्छा और एक बात बताओ, कौन से पार्ट, कौन से पोर से पानी अंदर जाता है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, वेरी याद है तुम लोगों को। तो अब हम तुमको एक बात बता रहे हैं, ये सब बहुत कॉमन सा चीज है, तो तुम्हारे डेली लाइफ में इधर उधर चल रहा है, तुमको पता भी नहीं रहता, और वही तुम्हारा साइंस है। क्या भैया, हम लोग के घर में हम लोग जो टेबल में पढ़ते हैं ना, मम्मी वहाँ ग्लास छोड़ देती है, वो जहाँ ग्लास छोड़ देती है या पानी रखती है या दूध का ग्लास छोड़ देती है, वहां पे पानी गिरते गिरते वो फूल गया। तो वो फूल क्यों गया, दरवाजा है, गेट जो है छत पे है, वो पानी में पड़ा पड़ा वो फूल गया, वो ऐसा क्यों हुआ। तो लकड़ी का सामान जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज हैज एफिनिटी फॉर वाटर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ चुका है, तो इंफिनिटी वर्ड का मतलब तुमको जाता है, सेलुलोज को पानी के लिए प्यार है, ठीक है। तो एक होता है फोबिया, एक होता है तुम्हारा फिलिक। फोबिया मीन्स डर एंड फिलिक मतलब प्यार। तो यहाँ फिलिक पानी के लिए लगाव जो होता है, वही हाइड्रोफिलिक कहलाता है। तो सेलुलोज इज अ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, उसको पानी से काफी लगाव है, वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फूल जाता है, इम्बाइब करता है और क्या हो जाता है, फूल जाता है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग इम्बिबिशन। तो अगर तुमसे एक डेफिनेशन लिखने बोलेगा, तो इतना गंदा सा डेफिनेशन मत लिखना जो डिब्बा में लिखा है, हम लिखवा रहे ये डेफिनेशन लिखना, इम्बिबिशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, ठीक है, ये लिख लो, इम्बिबिशन इज अ सरफेस फेनोमेनन बाय विच सर्टेन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एड्सॉर्ब्स वाटर, ठीक है, एड्सॉर्ब्स वाटर, बस और कुछ भी नहीं। तो सर्टेन हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है, वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वो सेलअप कर जाता है, और क्या हो जाता है, वो सेलअप कर जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन। खत्म हो गया एक टॉपिक, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। जैसे हम तुमको बताते भैया बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ये पूछेगा नेम गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, जिसके कारण से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स वाटर, बस इतना सा लिख के आएगा। तो तुमको बताना पड़ेगा इम्बिबिशन, जो आया है आज तक वही हम पूछ रहे हैं, और कुछ इधर उधर का नहीं बता रहे तुमको। अब आता है इम्बिबिशन के बाद ये डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत इजी टॉपिक है भैया, परफ्यूम लगाए ना, हाँ लगाए, ठीक है, स्मेल आ रहा है हमको, ठीक है, तो स्मेल आ रहा है तो ये चीज समझ लो डिफ्यूजन हो रहा है, उसके ही कारण से तुमको स्मेल आ रहा है। तो डिफ्यूजन जो होता है इज ऑल्सो अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे मूवमेंट किसका हो रहा है, पार्टिकल्स का हो रहा है, पार्टिकल एनीथिंग, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विड्स, गैस, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर। परफ्यूम हम लगा के आए, मेरे पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और जा रहा है स्मेल तुम लोग तक, ठीक है, तो वो हो गया तुम लोग के तरफ लोअर कंसेंट्रेशन, व्हेन द टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब तुम बोलोगे जैसे घर में बैठे हो और हम यहाँ परफ्यूम लगाए, तुम्हें स्मेल ही नहीं आएगा, वी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि कॉन्टेक्ट होना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है, पोटेशियम पर मैग्नेट एक टैबलेट आता है, उसको ये पानी में डाला, पानी में का कलर चेंज हो गया, दिस शोज दैट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपका पानी जो है पिंक कलर में चेंज इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जल्दी बताओ मेरे को, डिफ्यूजन,
तरवा, ठीक है। तो बस यही है, कुछ नहीं पढ़ना है बीच का, ये सब जो हम नहीं पढ़ा रहे, पढ़ना ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ना है तुमको, ठीक है। तो तुमको सीधा सा बात है डिफ्यूजन का डेफिनेशन बता दिए और कुछ नहीं पढ़ना है, इमिबिशन का डेफिनेशन बता दिए और कुछ नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं ऑस्मोसिस पे, तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन तो तुम लोग को बताए, सुन लो वापिस से। Osmosis is the movement of water molecules from their region of higher concentration, कुछ dilute solution काट दो उसको, to their region of lower concentration, concentrated solution, ये अलग definition बना रहा है, ठीक है। ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है, through a semi-permeable membrane. तो ये है osmosis का definition, ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ पे osmosis का definition हम भी बता चुके। What is the most important to note in the above definition? That is water molecule move from their higher concentration, ठीक है, टू देयर लोअर कंसेंट्रेशन, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पानी का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, पानी का। तो हम तुमको इसीलिए बता रहे, तुमको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तुमको बस क्या चीज को ध्यान रखना है, पानी को ध्यान रखना है। अब इसी को देखते हुए हम तुमको एक नया टॉपिक ला रहे हैं, क्या पानी का जो मूवमेंट होता है वो दो बाहर और एक अंदर। तो भैया एकदम सिंपल सा चीज है, ठीक है, क्या चीज है सिंपल सा, देखना ध्यान से सब बच्चा। पहला चीज है, अगर कोई सेल है, ठीक है, कोई क्या है सेल, यहाँ पे मान लीजिए एक बीकर ले ली और ऐसे एक सेल है, पानी बाहर चला गया, तुम लोग बाहर जाके खेलते हो तो तुम लोग क्या बुलाते हो उसको, आउटडोर गेम को कि इंडोर गेम? आउटडोर। अंदर देखो, ये अंदर चला गया तो ये भी इंडो है, ठीक है, यहाँ एंडो बुलाते बस, ठीक है, ये एंडो ऑस्मोसिस हो जाता है, और बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स ऑस्मोसिस कहलाता है। तो बस ये चीज ध्यान रखना, अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, तो ये मूवमेंट भी किसके बेसिस पे हो रहा है, ये मूवमेंट भी भैया आपका कंसेंट्रेशन के बेसिस पे हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे जरा सा यहाँ पे तुम लोग सोच के बताना। यहाँ पे हम तुमको एक फिगर दे रहे हैं, ऐसे करके एक बाल्टी ले लिए, बीकर ले लिए, और यहाँ पे हम बोले कि पानी का कंसेंट्रेशन अंदर में भैया हाई है और बाहर में लो है। अब तुम लोग बताओ पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तुमको यही चीज ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है, उसी तरह अंदर से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे अंदर और बाहर हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे कंसेंट्रेशन को देखेंगे। अगर बाहर यहाँ पे जा रहा है तो सीधा सा मतलब यही है कि अंदर का कंसेंट्रेशन लो है, बाहर का कंसेंट्रेशन क्या है, हाई। तो जहां का भी कंसेंट्रेशन हाई और लो होगा उस हिसाब से मूवमेंट करवाना और उसका नाम रख देना, ठीक है। तो बस इतना ही चीज ध्यान रखना है, अगर पानी बाहर गया है तो एक्सोस्मोसिस कहेंगे, पानी अंदर गया है तो उसको हम लोग एंडोस्मोसिस कहेंगे, ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। हाँ बोल। ओके, तो सबसे लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़े थे ऑस्मोसिस के बारे में। एक बार पहले हम तुमको ऑस्मोसिस बता देते हैं, ठीक है। आज हम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जो तुम लोग को बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने का दो तरीका था, एक था सॉल्यूट और एक था सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में हमेशा हम लोग जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो सॉल्वेंट में हमेशा पानी का मूवमेंट होता है, कहाँ से कहाँ होता है जल्दी बताओ, हाई कंसेंट्रेशन से किस तरफ जाता है, लो कंसेंट्रेशन। ओके, एंड जब हम लोग सॉल्वेंट का बात करेंगे, सॉल्यूट का बात करेंगे, दैट इज चीनी मान लीजिए, नमक मान लीजिए, तो इसमें भैया मूवमेंट जो होता है वो किधर से किधर होता है जल्दी बताओ, लो टू हाई होता है, ठीक है। नहीं नहीं, लो टू हाई, सॉल्यूट का जब बात करते हैं तो देयर इज मूवमेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन, और किस मेम्ब्रेन से होके गुजरता है जल्दी बताओ, चलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो तुमको ये चीज ध्यान रखना है, तो अब आगे से ये चीज ध्यान देना, तुमको बस और बस इसी के हिसाब से डिफाइन करना है। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, ठीक है, मूवमेंट ऑफ क्या चीज का, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर रीजन ऑफ, ठीक है, फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसेंट। तो देखो हम एक एक चीज देख, हम भी याद किए थे स्कूल टाइम में, तुमको याद है ठीक है, और हमको जानते, हम जानते हैं टीचर लोग मार्क्स नहीं देंगे। बायोलॉजी में तुम कितना झगड़ लो, चाहे मैम निक्की हो या चाहे तुम्हारे गिद्धर सर हो, ठीक है, तो तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलने वाला अनलेस अंटिल तुम लोग डेफिनेशन एकदम एग्जैक्ट नहीं लिखते हो। तो पहले ही बात बता दे, एक भी टर्म छूटा ठीक है तो तुम्हारा मार्क्स चला जाएगा, जैसे हम केमिस्ट्री में भी बोले थे। तो यहाँ पे ये हो गया ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ऑन बेसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े थे उसमें पढ़े थे एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। भैया यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, समझना सब जन। यहाँ पे एक बीकर ले लिए, बीकर में हम सेल डाल दिए, बीकर में हम क्या डाल दिए, सेल डाल दिए। अब म्यूट कर लेगा, बीकर में हम सेल डाल दिए, इसके अंदर का कंसेंट्रेशन हाई है। If I'm telling you concentration high है, तो किसका बात कर रहे, बता क्या बोले थे? तो यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज हम तुमको बता रहे थे कि पानी के अंदर हम सेल डाले, ठीक है। हाई और लो जो लिख रहे हैं वो क्या चीज का बात कर रहे, कौन बच्चा जल्दी से बता दे, क्या किसका बात कर रहे हैं हाई और लो? सॉल्वेंट के कंसेंट्रेशन, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर, ठीक है। हम लोग क्या चीज के कंसेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर का। हमको आगे से बार बार हर बच्चा को यही बात बोल रहे, किसी को किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, पानी को। पानी का कंसेंट्रेशन कहाँ ज्यादा है ये चीज ध्यान दिमाग में रखना। अंदर अगर हाई लिख रहे तो पानी का कंसेंट्रेशन अंदर हाई है और बाहर लो है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा भैया? पानी जो है आपका बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। पानी जो है वो हाई टू लो जाएगा। तो अब एक इस केस में बताओ, ये जो सेल है, ये जो सेल है वो क्या कर जाएगा? पिचक जाएगा, पिचक जाएगा। एंड पिचक जाना इज कॉल्ड, ठीक है, पिचक जाएगा का मतलब क्या हो जाएगा कि वो देख सकता है, तुम लोग यहाँ पे पिचक गया का मतलब वो श्रिंक कर गया। तो यहाँ पे तुम लोग देखो श्रिंक कर गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, जल्दी से बताओ, यहाँ पे पानी बाहर गया तो इसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है, वेरी गुड। इसको क्या बोले हम लोग, एक्सोस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वाज क्या, यहाँ पे देखिए एक और सेल बना देते भैया, इस बार कंसेंट्रेशन उल्टा बता रहा है, ठीक है। कंसेंट्रेशन उल्टा क्या बता रहा है बताओ तो, अंदर में लो है और क्या है, हाई, बाहर में क्या है, हाई। तो हमको एक बात बताओ जरा सा, अगर अंदर में लो है बाहर हाई है तो इस बार पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, जल्दी बता। भैया पानी हमेशा हाई टू लो ही जाता है, पानी जो जाता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, हाई टू लो। तो इस बार पानी जो है अंदर की तरफ गया, तो पानी अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो भैया बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फूल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो फूलने को क्या कहते हैं, फूल फूल गया, ठीक है। ये बल्ज कहने की जगह स्वेल कहते हैं, ठीक है, स्वेल अप कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, स्वेल अप। तो भैया पानी अंदर की तरफ गया बताए एंड ऑस्मोसिस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एंड ऑस्मोसिस। तो तुम लोग को ये चीज समझना है कि पानी अगर अंदर की तरफ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस कहते हैं, और पानी अगर बाहर निकल जाएगा भैया वो पिचक जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, और वो क्या, हाँ, एक्स ऑस्मोसिस, उसको क्या कहेंगे, एक्स ऑस कहेंगे। अब तुमको बताते एक चीज, ठीक है, हम लोग की मम्मी लोग अचार बनाते, गर्मी के अचार एरी आ गई बाजार में, अचार बनाएंगे, अचार में क्या करते, सॉल्टिंग किया जाता है, ठीक है। तुम लोग को पता है कि तेल और सॉल्टिंग करने से प्रिजर्वेशन होता है, वो अचार भैया एक साल तक हम लोग यूज करेंगे। तो वो जो अचार को यूज कर रहे हो तो सॉल्टिंग करने से क्या होता है वो सुनो, सॉल्टिंग करने से क्या होता है, बैक्टीरिया मरता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सॉल्टिंग करने से बैक्टीरिया मरता है, कैसे, बैक्टीरिया के शरीर का पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है भैया, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, श्रिंक कर जाता है और वो मर जाता है। तो वहां पे भी क्या हुआ, वो कंसेंट्रेशन बनाए, वो क्या बनाए, एक हाई कंसेंट्रेशन और लो कंसेंट्रेशन, जिसके कारण से वहां पे बैक्टीरिया का क्या हो गया, मौत हो गया, बैक्टीरिया का मौत हो गया, और वही वाला चार हम लोग खा जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, तो तुमको वही बता रहे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। तो आगे से एकदम ध्यान रखना, किसी को नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ पानी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो आएगा तुम लोग को ऐसे, क्वेश्चन जो आएगा तुम लोग को ऐसे करके लिख के आएगा, ध्यान देना जरा सा। यहाँ पे एक सेल, अब देखो सोच के आंसर करना सब बच्चा, चैट में आंसर करना। हम यहाँ पे एक सेल बनाए, ठीक है, और बोले यहाँ पे कि सेल के अंदर 20% सुक्रोज सॉल्यूशन है, ठीक है, 20% सुक्रोज सॉल्यूशन है, पानी है, बाहर में क्या है, पानी,
मेरे को बताएगा बताएगा सत्यम गुप्ता, सत्यम गुप्ता मेरे को बता पानी किधर से किधर जाएगा। सत्यम और ऋतिक डिस्कस करके बता सकता है वाटर वाई। ये 80% सुक्रोज पानी भैया, अंदर में 80% पानी है, बाहर में 100% पानी है भैया। पानी का कंसेंट्रेशन बाहर हाई है और अंदर पानी का कंसेंट्रेशन लो है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा जल्दी बता। हाई टू लो, पानी अंदर हाई टू लो जाता है, पानी अंदर गया भैया तो ये क्या हो गया, एंड ऑस्मोसिस हो गया ना, ये क्या हो गया एंड ऑस्मोसिस हो गया। तो यही तो चीज पूछ रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इसलिए हम तुम लोग को ये बात बताए। कृष्णा कुछ पूछ रहे हो तुम भैया? सबसे पहला चीज ये एक्सपेरिमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन सब बच्चों को पता चल गया, यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, तो वही चीज हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग को जो कंफ्यूजन हो रहा है वो चीज को एकदम दूर कर सकते हो। कैसे? सिर्फ और सिर्फ पानी के मूवमेंट को देखना है। हम तुमको सारा एक एक लाइन को अच्छे से करके बताएंगे, तुम लोग वैसे ही अपने बुक में मार्क भी करना, ठीक है। हम एक एक करके यहाँ पे बताते जाते, तुम लोग बस मेरा बात सुन। सबसे पहला चीज अगर तुम लोग यहाँ पे देखेगा, हमको बताओ यहाँ पे कि इसके अंदर ये अरेंजमेंट क्या है। ये ऐसे करके एक राउंड बॉटम फ्लास्क था जिसका नीचे वाला जो बेस है वो टूटा हुआ है या खुला हुआ है या उसमें कुछ है ही नहीं, उसको पैक कर दिया ये लोग सेलोफीन पेपर से। क्या चीज से पैक कर दिया? सेलोफीन पेपर। अब उसमें अब उसमें डाल दिया सुगर सॉल्यूशन। उसमें क्या डाल दिया? सुगर सॉल्यूशन। और बाहर पानी है, बाहर क्या है? पानी। फिर से वही चीज पूछ रहे हैं, कंसंट्रेशन का बात हम बार बार बता रहे हैं, हम तुमसे हाई या लो पूछ रहे हैं तो वो किसका पूछ रहे हैं? पानी का पूछ रहे हैं। तो बताओ पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? बाहर। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ठीक है, एकदम सही बताया भैया। पानी का कंसंट्रेशन जो है बाहर ज्यादा है और पानी का कंसंट्रेशन जो है अंदर भैया वो कम है, एकदम सही बताया। अब होने क्या वाला है, ठीक है, इसको भी छोड़ो, हम तुमको पहले आज पोटैटो ऑस्मोस्कोप बताते वापस से। पोटैटो ऑस्मोस्कोप जो एक्सपेरिमेंट कल करवाए थे, ठीक है, लास्ट क्लास में करवाए थे, एक बार ध्यान से देखना कृष्णा सोनी, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देख, ऐसे करके एक आलू ले लिए, आलू को छील लिए नीचे से और उसको बीकर में डाल दिए। उसको क्या चीज में डाल दिए? बीकर में। तो आलू को छील के बीकर में डाल दिए तो भैया इससे क्या फायदा मिला? उसको खड़ा कर पा रहे भैया। आलू ही क्यों ले रहे बताओ सब बच्चा? आलू इसलिए ले रहे कि आलू जो है ना भैया वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। इसमें हम डाल दिए हैं ऐसे करके कांटी, ऐसे करके क्या डाल दिए? कांटी डाल दिए। और इसी में हम डाल दिए सुगर सॉल्यूशन, इसी में हम क्या डाल दिए? सुगर सॉल्यूशन। पानी भी रहेगा भैया, ऐसा बात नहीं है पानी नहीं रहेगा। तो अभी कांटी का जो लेवल है वो ए पे है, कांटी का लेवल जो है वो क्या है? ए पे। अब बताओ तुम लोग क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, अगर हम इसमें सुगर सॉल्यूशन डाल दिए तो ऑब्वियस सा बात है इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? लो। लेकिन हम किसके कंसंट्रेशन का बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट, ओके, वाटर का। और बाहर में पानी का कंसंट्रेशन क्या है जल्दी बताओ? हाई। हाई। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई टू लो। अब बताओ इसमें भैया पानी का लेवल बढ़ने लगेगा कि घटने लगेगा अंदर वाले? बढ़ने लगेगा भैया। यहाँ पे पानी का लेवल ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये पिन जो है यहाँ पे, ये ए से मान लिए कहाँ चला गया? बी पे चला गया। ए से कहाँ पे चला गया? बी पे। तो एक चीज है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लास्ट ईयर मेरे को एक बच्चा बहुत अच्छा बात बोला, भैया ऑब्जर्व केमिस्ट्री में आता है, ऑब्जर्व का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्व का मतलब होता है जो दिखता है हमको, ठीक है, तुम जो आंख से देख रहे हो, ठीक है। बहुत एक्सपेरिमेंट में होता है कि कलर दिखता नहीं है, गैस इवॉल्व हुआ दिखता नहीं है, ठीक है, तो वहां पे वो चीज नहीं लिखना होता। ऑब्जर्वेशन का मतलब जो तुमको दिख रहा है, तुम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे, मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे पानी का कि पानी कहाँ से कहाँ। तुम ऑब्जर्व क्या करेगा बता? तुम देखेगा कि जो पिन ए था वो कहाँ, हाँ, ए से पिन कहाँ चला गया? बी में। तुम ये चीज ऑब्जर्व करोगे, नहीं फ्लोट नहीं कर रहा है, वो डेंसिटी का बात है। तो हम इसीलिए पूरा ऐसे नहीं करके दिखाए, उसको थोड़ा सा अंदर ही करके दिखाए, ठीक है, वो फिजिक्स अलग है यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स अभी वहां पे नहीं कर रहे। पॉइंट उड़ गया, ठीक है, हवा में नहीं है वो, ना ही पानी के ऊपर है वो, समझ ले पानी में ही है। तो यहाँ पे हम जो फिजिक्स नहीं बायोलॉजी का बात कर रहे अभी, ठीक है, तो ए से पिन कहाँ चला गया? बी पे चला गया। तो सीधा सा क्वेश्चन, अब एक और एक घुमा के क्वेश्चन टीचर लोग क्या कर देते हैं, बीकर, बच्चा लोग इतना तुम्हारा वो रहता है कि हाँ हमको बताना है। हम पूछे हैं क्वेश्चन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ द बीकर, तब बताओ क्या होगा? डिक्रीजेस। डिक्रीजेस।
ठीक है, बीकर का पूछे ना भैया, पानी जब तुम इधर से इधर पहुंचा रहा है तो इधर का पानी तो क्या होने लगेगा, बाहर का पानी घटने लगेगा। तो क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन समझ कि कहाँ का पूछ रहा है, अंदर का पूछ रहा है या बाहर का पूछ रहा है। अगर हम तुमसे पूछे व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ द बीकर, तो यू हैव टू राइट देयर इज अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर। लेकिन अगर पूछेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुमको बताना है कि पिन जो है ए से कहाँ चला गया, बी पोजिशन पे चला गया। ओके, एक चीज तो यहाँ पे ये हो गया। आलू का छिलका किसके तरह एक्ट किया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है तुमको एक्सपेरिमेंट ऐसे करके दे दिए। ठीक है, सबसे पहला ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको बुलाते हैं पोटैटो ऑस्मोस्कोप। ठीक है, तुम लोग पढ़ा था यहाँ पे ऑस्मोस्कोप। ठीक है, यहाँ क्लास 9th में पढ़ा था, कुछ बोल रहे हैं? ओके भैया, हाँ ये जो पोटैटो के अंदर जो स्कूप बनाया है ना जिसमें नेल रखे है, ज्यादा होशियार नहीं, बस सिंपल सा ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस डिफाइन दी प्रोसेस। अब जो बच्चा ऑस्मोसिस नहीं लिखे, कुछ और लिखेगा, उसका डिफाइन भी गलत हो जाएगा, तो डिफाइन करो। फिर पूछेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो ये बताएंगे द लेवल ऑफ द पिन राइजेस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ लेंगे कि बताओ यहाँ पे आलू जो है किसके तरह एक्ट किया है, तो इट एक्ट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग तरह का क्या है, एक्सपेरिमेंट है। अब इसी में एक क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसी में क्या करते हैं, सेम अरेंजमेंट है, ध्यान से सब बच्चा लिख सुन ले, सेम अरेंजमेंट है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके आलू रख दे रहे हैं। सेम अरेंजमेंट है, हम ऐसे करके आलू रख दे रहे हैं, बाहर भी पानी अंदर भी पानी, बाहर भी पानी और अंदर भी पानी। अब बताओ व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द लेवल ऑफ द पिन, नो चेंज भैया, नो चेंज भैया, वी ऑब्जर्व नो चेंज। ठीक है, क्यों नहीं हुआ ऐसा, बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑन बोथ साइड्स आर सेम, नो ऑस्मोसिस अकर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हुआ, जिसके कारण से यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ठीक है नहीं हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज, ये जो है ए और बी अरेंजमेंट, ठीक है, इसको मान लेते हैं नंबर वन अरेंजमेंट, इसको नंबर टू अरेंजमेंट मान लेते हैं। तो नंबर वन अरेंजमेंट को हम लोग कौन सा सेटअप बुलाते हैं, एक्सपेरिमेंटल। वेरी गुड, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप बुलाते हैं। ठीक है, और इस वाले को हम लोग बुलाते हैं कंट्रोल सेटअप। हाँ, कंट्रोल बुलाते हैं उस सेटअप को जिसका चीज, जो चीज का स्टडी करना है, जो चीज मिसिंग होता है, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कंट्रोल। समझाने के लिए आई कैन टेल यू इट इज फॉर कंपैरिजन। ठीक है, हम वन और टू में कंपेयर करके बता सकते हैं। कंट्रोल सेटअप का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन इज मिसिंग। जिस चीज का इन्वेस्टिगेशन करना है वही चीज क्या रहता है, वहां पे मिसिंग रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सुगर सॉल्यूशन मिसिंग है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होने वाला नहीं है भैया, कोई ऑस्मोसिस नहीं हुआ, तो ये चीज तुम ऑब्जर्व किया। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का इन सेक्शन भी, पक्का रखो जो आएगा। अब हम तुमको वापिस से चलते हैं अपना बुक पे लेके। ठीक है, तो सब बच्चे एक बार अपने बुक को देखना, और हम फिर बोल रहे हैं प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ताकि कभी भी पढ़ो तो दिक्कत नहीं हो, सब पढ़ने का नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम लोग अब समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप और कंट्रोल सेटअप क्या है। लिखा हुआ भी ब्रैकेट में है, फॉर कंपेरिजन, टेक सम कंसेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन इन थीसल फनल, ले लिया भैया, कवर द माउथ ऑफ द थीसल फनल विद सेलोफिन पेपर। अब अंडरलाइन करो इसको, सेलोफिन पेपर, एक मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर। ठीक है, और नाम बता रहे, सेलोफिन पेपर, एक मेम्ब्रेन, एनिमल ब्लैडर, पीछे एक्सरसाइज में चले जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज में चले जाओ, तुमको और दिखेगा पार्चमेंट पेपर का नाम, दिस ऑल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सब भैया जो है वो किसके तरह एक्ट करता है, ये जितना नाम बताया, ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये क्या चीज का तरह एक्ट करने वाला है, पहले ही लिख देते हैं तुम लोग को, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करने वाला है। तो पहले ही चीज तुमको ये बात बता देते हैं। ठीक है, तो कोई भी नाम अगर आए इसमें से, हाँ बोल, मतलब देख यहाँ पे देख फिर क्या बता रहा है, इन्वर्ट द थिसल फनल इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर एंड सस्पेंड इट एज शोन इन फिगर 4.4। उल्टा करके भी इसको लटका दीजिए, स्टैंड के थ्रू लटका दिए, ले ले, याद करना ही नहीं है सब, तुमको नहीं आता एक्सपेरिमेंट लिखने, तुमको जो पॉइंट्स बताए ना अभी जैसे क्वेश्चन का वैसे पूछेंगे अभी, तो ध्यान देना, आज हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे पूरा। मार्क द लेवल ऑफ द सुगर सॉल्यूशन ऑन द स्टेम ऑफ द थिसल फनल, सब बच्चा देख लो यहाँ पे, मार्क कर देते तुम लोग के लिए भी, तुम लोग भी यहाँ मार्क करो, ताकि अच्छे से समझ में आए पढ़ते हुए कि हाँ भैया यहाँ बताए थे इनिशियल लेवल। पहले जब भैया मार्किंग था, जब कुछ भी नहीं हो रहा था, अरेंजमेंट खाली करके रखे थे, तो यहाँ पे इनिशियल लेवल यहाँ पे था। अब देखो क्या होने वाला है। ठीक है, चलो अब क्या होने वाला है, तो उसका तो तुम लोग को भी जानकारी चल गया। फिर हम तुमसे पूछते हैं
किस तरफ कंसेंट्रेशन पानी का ज्यादा है? बीकर में। ये सब बच्चा को समझना पड़ेगा भैया, बीकर में कंसेंट्रेशन क्या है पानी का? हाई है। चीनी आप डाल दिए ना तो 80, 20, 70, 75 जो करना है करने दे उस टीचर को, ठीक है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या हो गया? लो हो गया। अब तुम लोग बता पानी कहाँ से कहाँ जाने वाला है? हाइट। अगर पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो बताओ, पानी अगर अंदर से बाहर जा रहा है तो लेवल जो है बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ा ना, घटेगा कैसे भैया? बोले भैया बीकर का लेवल घटेगा, हम पूछे ही नहीं है बीकर का, इतना भी होशियार मत बना करो फिर बोल रहे, ठीक है। यहाँ पे खाली अभी हम पूछ रहे हैं थीसल फनल का ही बात करें, तो यहाँ पे इनिशियल लेवल जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। लेवल क्या हो गया? राइज कर गया। ये चीज सबको समझ में आया है कि नहीं, पहले ये बता। हाँ भैया, ठीक है, एकदम बस सिंपल सा चीज। ये पानी का लेवल भैया क्या, पानी अंदर एंटर किया जिसके कारण से इसका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। सेकेंड क्वेश्चन इज कि एज अ कंट्रोल अगर हम बाहर भी पानी अंदर भी पानी लेते तो क्या होता? चीनी वाला नहीं ले रहे, पानी वाला ही पानी ले रहे, ठीक है। एंड सस्पेंड इट अनदर बीकर कंटेनिंग वाटर, अगेन मार्क द लेवल, ठीक है। साइड में अगर तुम कर सकते हो तो यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, ठीक है, अपने लिए लिख लो, एक छोटा सा बना के। क्या लिखना है भैया? ऐसे करके एक फिगर बना दे, ठीक है, और ऐसे करके बीकर बना दे, और इसमें क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग? इसमें ये दिखाना चाहते हैं अंदर भी पानी बाहर भी पानी, ठीक है। तो दोनों तरफ का कंसेंट्रेशन क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो ऑस्मोसिस, यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो ये जो है इसका कंट्रोल सेटअप हो गया। तुमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसे करके, गिव ए कंट्रोल सेटअप फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यही है इसका कंट्रोल सेटअप कि बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है भैया। अब रुको, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सबके माथा में घुस रहा होगा या आ रहा होगा क्या, कि भैया पानी जाते जाएगा क्या? पानी जाते जाएगा क्या? भैया कंट्रोल सेटअप जो आप बोले तो उसमें हम लोग सुगर सॉल्यूशन भी दे सकते हैं दोनों जगह ना। उल्टा कर लो, पानी की जगह दोनों तरफ चीनी डाल दो, यही ना बोलना चाह रहा है? हाँ भैया वो भी कर सकते, डाल ले, डाल ले, डाल ले, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अब देखो फिर क्या हो रहा है। अब बात है भैया पानी क्या जाते जाएगा, ठीक है। हीट क्या फ्लो करते रहता है? कि हीट तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों तरफ का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, भैया पानी जाएगा, ठीक है। क्या पानी जाते जाएगा? क्या लेवल राइज करते जाएगा? अगर पानी जाते जाएगा तो लेवल राइज करते जाएगा, लेकिन पानी भी एक लेवल तक चढ़ता है, ठीक है, ज्यादा नहीं, एक लेवल तक, ठीक है। अब उसके बारे में बताएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बुलाते हैं उसको, क्या बुलाते हैं? ऑस्मोटिक। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या और बताया है। आफ्टर अ फ्यू आवर द लेवल ऑफ द सुगर सॉल्यूशन इन थीसल फनल इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप विल राइज, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम थीसल फनल में देखें कि मेरा लेवल जो है वो क्या कर गया, राइज कर गया। मेरा लेवल जो है वहां पे क्या कर गया, राइज कर गया। द लेवल ऑफ वॉटर इन थीसल फनल इन कंट्रोल विल रिमेन अनचेंज, और कंट्रोल में क्या देखे बताओ तुम ही लोग, कि वहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। अंडरलाइन कर लेना एज इट इज, ठीक है, वहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। द लेवल ऑफ वॉटर इन बीकर इन एक्सपेरिमेंट, अब देखिए भी आया, द लेवल ऑफ वॉटर इन द बीकर इन द एक्सपेरिमेंट विल ड्रॉप स्लाइटली वाइल द वन इन द बीकर इन कंट्रोल विल रिमेन अनचेंज। तो भैया एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर लेना सब जन, ठीक है, कि कहाँ का मांग रहा है। तो बीकर में भैया अगर पानी यहाँ अंदर गया, पानी यहाँ अंदर गया है तो बीकर का पानी घटेगा, ठीक है। थीसल फनल का पानी अगर बढ़ रहा है तो बीकर का पानी घटेगा, क्योंकि बीकर से होके पानी कहाँ जा रहा है, थीसल फनल में जा रहा है। तो एक चीज ये भी हो गया, हाँ ये भी हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या बोलता है, इफ द वॉटर इन द बीकर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज टेस्टेड इट इज नॉट फाउंड स्वीट, क्या वो मीठा लगेगा तुमको बताओ, हाँ या ना? भैया पानी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, चीनी, क्या चीनी उधर से आया है, चीनी का मूवमेंट हुआ है? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये पानी का अगर टेस्ट करेंगे क्या तुमको मीठा लगेगा? नहीं लगेगा भैया, क्योंकि चीनी का मूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट हुआ है, पानी का, पानी का मूवमेंट हुआ है।
तो यहाँ पे इसीलिए तो तुमको समझा रहे हैं कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर भैया चीनी गया होता तो पानी मीठा लगता, पानी मीठा नहीं लग रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन गया है, पानी गया, सिर्फ और सिर्फ कौन गया, वाटर गया। वेरी गुड। अब इसके बाद देखो फिर क्या बता रहा है, इसके बाद लिखता है यहाँ पे दस और पॉइंट्स में क्या है, थ्री मेन कंक्लूजन क्या निकाले, चलो पढ़ते हैं। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सम वाटर ऑफ द बीकर हैज पास्ड थ्रू सेलोफेन पेपर टू एंटर द थीसल फनल कंटेनिंग द शुगर। मतलब सिर्फ और सिर्फ फिर हम पूछ रहे हैं पानी गया है थीसल फनल में, क्या थीसल फनल से चीनी आया है? नहीं भैया, ठीक है, इधर मूवमेंट हुआ है लेकिन क्या उधर से मूवमेंट हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड इज सुगर फ्रॉम थीसल फनल हैज नॉट पास्ड इनटू बीकर, यही तो बात बताया अभी। और तीसरा चीज, अगर पानी गया है उसके अंदर तो इसका मतलब सेलोफेन पेपर किसके तरह एक्ट किया है? सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको वही बता रहा है, इट हैज अलाउड वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू बट नॉट द सुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे पानी, तो यहाँ पे सेलेक्टिव बोल सकते हो, सेमी परमीएबल बोल जाएगा। और अब यहाँ पे देख, यहाँ पे आता है द सेम एक्सपेरिमेंट मॉडिफाइड। अब इसमें क्या मॉडिफाई करेगा, तो हमको तो लगता है सिर्फ भैया आप सॉल्यूशन चेंज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या आप जो पार्चमेंट पेपर का यूज कर रहे हो वो चेंज कर सकते हो। तो सुनते जाना क्या क्या एक्सपेरिमेंट में चेंज आएगा। इफ यू हैड स्लाइटली, हाँ भैया बोले थे यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट, कि इफ यू हैड स्लाइटली मॉडिफाइड द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टेकिंग अ मोर कंसंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन इन थीसल फनल एंड अ वेरी डाइल्यूट और लेस। अब देखो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो तुम लोग के दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन है, ठीक है, कि भैया हम दोनों तरफ चीनी लेंगे लेकिन एक तरफ डाइल्यूट है और एक तरफ कंसंट्रेटेड है। समझने का कोशिश करना, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, हम तुमको यहाँ फिगर बना के बताते हैं, ठीक है, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। हमको यहाँ पे बोल रहा है भैया चीनी ले रहे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। हम यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे है मान लेते हैं 60% सुगर सॉल्यूशन और यहाँ पे है तुम्हारा 20% सुगर सॉल्यूशन। अब बताओ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। फिर बोल रहे हैं एक्सोस्मोसिस, फिर हम बोल रहे हैं तुम मत देखो सुगर को, तुम लोग पानी को ही देखो। 60% सुगर तो कितना परसेंट पानी? 40%। और यहाँ पे 40% करने दो, हमको चीनी से लेना ही देना नहीं है भैया, हम लोग को खाली पानी बताए तो हम पानी को ही देखेंगे, कंफ्यूजन ही नहीं रखना है चीनी का, चीनी को देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, पानी को, क्योंकि हमको डेफिनेशन बोल रहा है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है क्यों पानी चीनी को बीच में लाना, हटाओ उसको, फिर पानी को देखो। तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है। चलो देखते हैं वहां पे क्या स्टेटमेंट लिखा है। If you had slightly modified the experiment setup by taking more concentrated sugar solution in thistle funnel, चलो अब देखो यहाँ पे जो बोला है कहाँ पे ज्यादा sugar solution लेने बोल रहा है, हम यहाँ पे बना देते हैं एक बार, तो देखना यहाँ पे अगर 70% sugar solution है, ठीक है, बाहर और अंदर में जो है 30% sugar solution है, बाहर में 30% sugar है, तो मेरे को बताओ बाहर में पानी कितना आया, और अंदर पानी कितना आया, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा फिर से, बाहर से अंदर। क्लियर हुआ ना तुम लोग को, तो देखो क्या लिखता है यहाँ पे, एंड वेरी डाइल्यूट और लेस कंसेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन इन बीकर द रिजल्ट वुड बी सेम। मतलब भैया अभी भी पानी अंदर ही जा रहा है, अभी भी पानी क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, दैट इज द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर से हम लोग ये देखेंगे कि थीसल फनल का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। थीसल फनल का लेवल जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो लेवल सॉल्यूशन वहां पे पानी का लेवल जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही चीज यहाँ बता रहा है, दिस अगेन इज बिकॉज सम वाटर फ्रॉम लेस कंसेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन इन बीकर मूव्ड इनटू मोर कंसेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन इन थीसल फनल बाय क्रॉसिंग थ्रू सेलोफेन। तो इतना लिखने में भैया मेरा दिमाग घूम जाएगा, हम तो नहीं लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे कि पानी जो है देख लीजिए ऐसा कंडीशन है कि पानी बाहर ज्यादा है अंदर पानी कम है, पानी का बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा अंदर कम है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर
मॉलिक्यूल इतना तुमको नहीं आता लिखने, कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, तुमसे कहीं नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन, ठीक है। बायोलॉजी में एक मार्क्स दो मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है, दो मार्क्स का क्वेश्चन भी स्टेप्स, अगर स्टेप्स तो पूछता ही नहीं है। बायोलॉजी में एक ही मार्क्स का क्वेश्चन होता है और दो मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, पहले ही बता रहे तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ सब बच्चा लोग को? अब सुन, अब हम लोग और क्या लेते हैं, और एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज कर सकते हैं, रबड़ सीट लेते, रबड़ सब देखा है। अब रबड़ के बारे में तुमको बताते हैं और मुस्लिन के बारे में बताते हैं। मुस्लिन एक तरह का कपड़ा होता है जिसके बारे में सुनो क्या बताता है। इफ इन दी सेटअप वी हैड यूज अ रबर शीट एंड अनदर सिमिलर सेटअप अ मुस्लिन क्लोथ इंस्टेड ऑफ सेलोफिन, अभी और एक नाम आएगा विस्किंग बैग। तो ये सब नया नया नाम सुनो, क्या है वो बैग का, उसका प्रॉपर्टी पहले जानो भैया, उसका जो पोर है वो कितना, उसका जो पोर है वो कितना बड़ा। हाँ देख, तो अब अगर हम रबड़ बैग लेते हैं या मुस्लिन लेते हैं तो क्या होता है, इफ इन इन दिस सेटअप वी यूज द रबर शीट एंड इन अनदर सिमिलर सेटअप अ मुस्लिन क्लोथ इंस्टेड ऑफ सेलोफिन, तो देखो क्या होगा, वॉट वुड हैपन, obviously no change in the level of sugar solution would occur in the first case. अब सुनो, रबर जो है तुमको बता देते, रबर impermeable है, ना चीनी को आने देगा ना पानी को आने देगा, तो तुम लोग बताओ क्या osmosis होगा? नहीं भैया, या तो कंडीशन ही अलग हो गया भैया, या तो पानी छोड़िए, चीनी छोड़िए, पानी ही नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो सीधा सा बात है, रबर से, तो यहाँ पे ये चीज तुमको पता रहना चाहिए, सेलोफिन पेपर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है भैया, पार्चमेंट पेपर सेमी परमेबल है, एनिमल ब्लैडर सेमी परमेबल, ये नहीं पता होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो उसी तरह रबड़ के बारे में जानो कि वो इम्परमेबल है भैया, रबड़ से कुछ भी आर पार नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ऑस्मोसिस ही नहीं होगा, एंड वुड नॉट अलाउ दी वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम बीकर टू क्रॉस ओवर दी अदर साइड, वो जाने ही नहीं देगा भैया, पानी को ही नहीं जाने दे रहा, चीनी को तो छोड़िए। सेकेंड केस में बताता है, मुस्लिन क्लॉथ जो होता है, द मैसेस ऑफ पोर्स ऑफ मुस्लिन क्लॉथ आर सो लार्ज, उसका इतना बड़ा बड़ा उसमें क्या होता है, पोर्स होता है कि चीनी ही गिर जाएगा भैया। अब चीनी गिर गया तो बताओ पानी क्या हो जाएगा भैया, मीठा हो जाएगा पानी। हाँ, अब पानी जो पीकर में पड़ा है वो मीठा हो जाएगा। इन द सेकेंड केस द मेसेस और पोर्स ऑफ मुस्लिन क्लोथ आर सो लार्ज दैट दे वुड नॉट होल्ड बैक इवन द सुगर मॉलिक्यूल, चीनी के मॉलिक्यूल को भी होल्ड नहीं कर पाएगा, एंड द इंटायर सुगर सॉल्यूशन, ठीक है, वो पूरा का पूरा सुगर सॉल्यूशन जो है वो फ्लो कर जाएगा नीचे और कॉमन लेवल ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अब तुम ही बताओ, ऐसे करके मार्कर छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाता है, तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे ही गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी। The Muslim cloth is therefore freely permeable. अब इसके बारे में बताया, ये freely permeable है भैया, कुछ भी आना, अब चीनी आ गया तो पानी तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है से भी, तो ये बात ध्यान रखना। फिर आता है, फिर यहाँ पे आता है विस्किंग बैग, फिर क्या आता है विस्किंग बैग। तो विस्किंग बैग क्या है हमको नहीं पता, हम बस इतना जानते कि वो सेमी परमेबल है, अगर सेमी परमेबल है तो फिर से वही काम करेगा, ठीक है, लेवल जो है वो क्या कर देगा, राइज करवा देगा, जो पहला स्टेज में हुआ था पार्चमेंट के साथ, सेलोफिन के साथ, एनिमल ब्लैडर के साथ। समझ में आया तुम लोग को? हाँ भैया। ओके, अगर आ गया समझ में, ठीक है, तो अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या क्वेश्चन है। चलो सब अपना अपना एक्सरसाइज में ले पेज पलटा लो, पीछे चलो, ठीक है, अलग अलग टॉपिक है तो हम लोग सारा कर लेंगे कि करके, तो पहले आज तो हम लोग ऑस्मोसिस ही समझ रहे हैं आज, कि मूवमेंट का है, ये मूवमेंट समझ जाएगा तो बहुत इजी है, जो मूवमेंट नहीं समझेगा उसको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। तो पानी का मूवमेंट हमको सिर्फ और सिर्फ पानी का मूवमेंट देखना है, चीनी को ला के बीच में कंफ्यूज मत करो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट देखेंगे, पानी का। चलो हम लोग ये क्वेश्चन बनाते, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम ही लोग मेरा मदद करो, यहाँ पे देख एग्जाम्पल नंबर 3, देख ये फिगर दिया हुआ है, सुगर सॉल्यूशन वाटर और नीचे में तुम लोग को दिख गया होगा पार्चमेंट पेपर, तो हम तेरे को पहले ही बता दिए पार्चमेंट पेपर कैसा मेम्ब्रेन होता है, लिख लो तुम लोग वहां पे, तो एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करना है तुम लोग को, नेम दी प्रोसेस, जल्दी बताओ, ऑस्मोसिस, वेरी गुड, डिफाइन दी अबव प्रोसेस, अच्छा ठीक है कुछ नहीं। What would you observe in the experimental setup after an hour or so? तो तुम लोग बताओ क्या observe करेगा? The level in the test tube, thistle funnel rises. The funnel rises. Experimental setup लिखता है ना यहाँ पे? फिर बोलता है what control experiment can be set up for comparison? तो control क्या रख सकते हैं भैया? We will take the same arrangement, keeping water and same on the both side. ठीक है? Same पानी को ही रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें और क्वेश्चन देखो, कीपिंग इन माइंड द रूट हेयर सेल एंड इट सराउंडिंग, अभी आ गया पहला क्लास का क्वेश्चन, तो रूट हेयर को
कंपैरिजन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रूट हेयर में हम तुम लोग को बताए थे ऐसे करके, रूट हेयर का भी सेमी परमिएबल होता है, वाटर इन बीकर जो है वहां सॉइल पार्टिकल के पानी जैसा हो गया। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग बताना है कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। कंसेंट्रेटेड सुगर सॉल्यूशन हो गया, जैसे रूट हेयर के अंदर सेल सैप होता है, ठीक है, तो वो चीज हो गया। नेम एनी अदर सब्सटेंस दैट कैन बी इंस्टेड ऑफ पार्चमेंट पेपर, तुम लोग बताओ तीन सब्सटेंस का नाम बता रखे हैं तुम लोग। सेनोफिन पेपर, एनिमल ब्लैडर, ठीक है, ये सब यूज कर सकता है। मेंशन टू एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस टू द प्लांट, अभी ये नहीं बताएं, आएगा आगे क्लासेस में तो बताएंगे। ऑस्मोसिस का क्या फायदा मिलता है प्लांट को वो बताएंगे, पहला तो भैया मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प होता है और आगे क्या आता है वो भी अभी बताना बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कल यहाँ तक पढ़ लिए थे, अब आगे अगर तुम लोग देखेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जाएगा तुम लोग को, ये तुम लोग को डायग्राम सबसे पहले क्लास में बताया थे कि पानी का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट कल हम लोग किए, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो तुम लोग जरा सा पहले यहाँ पे देखो क्या लिखता है, देर आर टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, द सुगर सोल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ध्यान से क्लियर कर लो। हमको एकदम दिमाग में एक ही चीज बार बार रखना है कि पानी कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम, सुगर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बता रहा है, जो कृष्णा को एक दिन प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे पढ़ो क्या लिखता है, द सुगर सॉल्यूशन हैज ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ सुगर मॉलिक्यूल्स वेयर देयर मे बी प्योर और नो सुगर मॉलिक्यूल इन बीकर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द कंसंट्रेशन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज फ्रॉम द साइड ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जो कि अभी तक हम लोग कर रहे हैं। Concentration can be visualized from two sides, one on the basis of solute and the other on the basis of solvent. So we are visualizing on the basis of solvent. हम लोग किसको देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं, हम लोग किसको देख रहे हैं, पानी को। That is, there are more water molecule in unit volume in the beaker. तो वही चीज बोले हम यहाँ पे कि पानी का concentration beaker में क्या है, ज्यादा है, beaker में क्या है, ज्यादा। फिर वही चीज बता रहे हैं, वॉल्यूम नहीं बोल रहे हैं हम, कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन, जो तुम पीछे वाला क्वेश्चन में अभी देखा था, जो आज स्टार्टिंग में बताए। दस देर आर टू रीजन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, तो अब यहाँ पे क्लियर कर लो, तो दो चीज का कंसंट्रेशन है, तुम लोग बताओ क्या क्या चीज का कंसंट्रेशन है, एक कौन सा मॉलिक्यूल और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल। हाँ, एक सॉल्यूट है भैया और एक सॉल्वेंट, एक वाटर मॉलिक्यूल है और एक सुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को समझ में आ गया, लिख लो यहीं पे, द टू रीजन ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट का, यहाँ पे बात कर रहे हैं पहला पॉइंट में सॉल्वेंट का, और नीचे वाले पॉइंट में हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं, सॉल्यूट का, नीचे वाले पॉइंट में हम लोग क्या चीज का बात कर रहे हैं, सॉल्यूट का। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताए, यहाँ पे द टू रीजन आर सेपरेटेड बाय अ सेलोफिन पेपर, तो ये जो दो रीजन है वो क्या चीज से सेपरेट कर रखे हैं, हम सेलोफिन पेपर से सेपरेट कर रखे हैं, विच बिहेव्स लाइक अ सेमी परमिएबल। अब एक और नया नाम आ गया, सेलोफिन पेपर, ठीक है। तो सेलोफिन पेपर भी कैसा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल होता है, अंडरलाइन करो। अब सेमी परमिएबल डेफिनेशन सुनो, अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज वन विच अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली। तो हम कल भी तुमको बोले थे कि तुम सेमी परमिएबल सेलेक्टिव के अंदर ही आते, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल को सेलेक्ट किया गया वो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, टू पास इट फ्रीली बट प्रिवेंट्स अ पासेज ऑफ सॉल्यूट, मतलब चीनी को जाने नहीं देता है, नमक को जाने नहीं देता, वो सिर्फ किसको जाने देता है, पानी को जाने देता है। तो पहला पॉइंट पे तो ये डिस्कस हो रहा है कि देयर इज ए कंसंट्रेशन ऑफ टू मीडियम, ठीक है, एक टू सॉल्यूशन, वन इज वाटर एंड द अदर इज सॉल्यूट, अदर इज सुगर, ठीक है, एक सॉल्वेंट है और दूसरा क्या है, सॉल्यूट है। तो हम फिर से तुमको ये चीज बोल देते, तो अगर कौन कहां मूव करेगा उसके बेसिस से देखा जाए, तो देखो अगर हम सॉल्यूट का बात करते हैं, सुगर का बात करते हैं, तो तुम बताओ यहाँ पे मूवमेंट किधर से किधर होता है, लो टू हाई, वेरी गुड। यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है, लो टू हाई की तरफ होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट में तुम्हारा कौन आता है, वाटर आता है। तो बताओ मेरे को पानी कहाँ से कहाँ जाता है, हाई टू लो जाता है, वेरी गुड, ठीक है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाता है, हाई टू लो, मेरे को दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पानी को रखना है। तो पहला पॉइंट में यही दोनों बात किया कि देयर आर टू रीजन्स ऑफ, ठीक है, पहला है सॉल्यूट का रीजन और दूसरा है तुम्हारा सॉल्वेंट का रीजन, ठीक है।
तो यहाँ पे वही चीज है। उसी तरह यहाँ पे दूसरा बात हम जो तुमको बताए कि दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कैसा मेम्ब्रेन? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसा मेम्ब्रेन है? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है भैया। किसको पास करने देता है? किसको पास करने देता है, किसको पास करने नहीं देता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को पास करने देता है, सुगर सॉल्ट को पास करने नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक यही चीज बताया, ठीक है। अब देखो ये पूरा कल से हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद अगर तुम लोग फॉलो करेगा तो क्या लिखता है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। How long can osmosis continue? तो ये क्वेश्चन कल उठा था कि हीट भैया फ्लो करता है तो कब तक फ्लो करता है? जब तक दोनों तरफ का साइड इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। तो यहाँ भी वही चीज बात कर रहे हैं हम लोग कि ऑस्मोसिस कब तक होगा, क्या ये इक्विलिब्रियम तक होगा? नहीं। यहाँ पे एक नया चीज तुमको पता चलेगा, ध्यान से सुनना। हम लोग पीछे वापिस डायग्राम में जाने वाले, तो पहले पॉइंट बता रहा है जो वो सुन लेते। थियोरेटिकली ऑस्मोसिस शुड कंटिन्यू अंटिल द कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो ये चीज हम लोग भी जानते हैं भैया, हीट जब तक तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों साइड का इक्वल टेम्परेचर नहीं हो जाए, करंट तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों साइड का इक्वल पोटेंशियल नहीं हो जाए, पानी जब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाए। तो यहाँ पे वही बुलाते, जब दोनों का कंसेंट्रेशन सेम हो जाएगा उसको हम लोग, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक बुलाते हैं। आज का टॉपिक नेक्स्ट यही रहेगा, टोनिसिटी, ठीक है। टोनिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोलना चाह रहा है, ऑस्मोसिस तब तक होते रहेगा जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। बट दिस इज थियोरेटिकली, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली क्या होगा वो भी देखा जाएगा, अभी तो थियोरेटिकली ये पता चला कि ऑस्मोसिस तब तक होगा जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं क्या बोलता है। In the experiment shown in figure 4.1, वही last वाला का ही बात कर रहा है, the column of sugar solution in the thistle funnel keeps rising upward with the influx of water. तो हम तुमको एक बार साइड में छोटा सा गंदा सा डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो हाँ, अब देखें यहाँ पे, तो ये जो डायग्राम बना है तुम लोग मेरे को बता, सबको ही पता ही है कि पानी जो है क्या मूवमेंट सही दिखाया है हम, हाँ या ना बता पहले, पीछे वाला एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। चलो ये लिख भी देते हैं, इसमें येलो से समझ जाना तुम लोग की सुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। आगे से तो क्या बताओ, हम सही बना? हाँ भैया, हाँ भैया, वेरी गुड भैया। अंदर में चीनी है, बाहर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर में पानी का कंसंट्रेशन कम है, पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनवर्ट इनवर्ट फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो हो रहा है, वही लाइन वहां लिखता है। तो सुनो, तो पानी का लेवल जो है इसमें क्या होते रहेगा बताओ मेरे को जल्दी से, पानी का लेवल इसमें जो है वो क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इन द एक्सपेरिमेंट सोन, ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट सोन इन फिगर 4.1 4.4, द कॉलम ऑफ सुगर सॉल्यूशन इन थिसल फनल कीप्स राइजिंग अपवर्ड, ठीक है भैया। ये जो कॉलम है ना ये बढ़ते जा रहा है, ये पहले पानी यहाँ पे था, अभी पानी का लेवल यहाँ हो गया, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा? नहीं, सुनना क्या होने वाला है। लिखता है यहाँ पे, इनफ्लक्स ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर एंड विथ इट द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ सॉल्यूशन वुड ऑल्सो इंक्रीज। इसके साथ एक चीज और होगा, अब आ रहा है एक पॉइंट, वेट। तुम बताओ, बैलून में पानी भरते जा रहे हो, तुम उसका वेट बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? हाँ बढ़ा रहे हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है कि पानी का जो फ्लो हो रहा है अंदर, ठीक है, इस साइड जो पानी का फ्लो हो रहा है उसके कारण से ऊपर का वेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ऊपर का मतलब थिसल फनल के अंदर में जो पानी रखा हुआ है उसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया। सुनते जाना और अंडरलाइन भी करना। लिखता है यहाँ पे, द वेट ऑफ दिस कॉलम ऑफ सॉल्यूशन वुड ऑल्सो इंक्रीज, वेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। Such an increase in the weight of the rising column reduces further osmosis. अब सुनो यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके दो साइड है, ठीक है, यहाँ रूम में जगह था, ठीक है, बच्चा अंदर जाते जा रहा था, जाते जा रहा था, जाते जा रहा था, ठीक है। अब वही ट्रेन का कंपार्टमेंट उसका बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कि तुम लोग देखा है ट्रेन में ऐसे करके सीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सुला देंगे 100 किलो का, बताओ नीचे बैठा हुआ आदमी को डर लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? हाँ, है ना,
तो यहाँ पे भैया कब ये टूट के गिर जाएगा, वेट बढ़ गया ना, सीट का जितना कैपेसिटी है, मान लो कि अगर सीट का कैपेसिटी है 150 न्यूटन का और यहाँ पे हम बैठा रहे हैं तुम्हारा 175, तो टूट के गिर सकता है। सीट टूट के क्या हो सकता है, गिर सकता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, तो यहाँ पे भी यही चीज हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हुआ भैया, पानी तो जा रहा था, ठीक है, लेकिन पानी के साथ ऊपर का बताओ लेवल का वेट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। समझ में आया तुम लोग को यहाँ तक, पहले ये बताओ। हाँ भैया, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा चीज है भैया, पानी के ऊपर फ्लो होने के कारण से, ठीक है, वो पानी के फ्लो होते जाने से ऊपर का वेट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सच एन इंक्रीज इन दी वेट ऑफ दी राइजिंग कॉलम रिड्यूसेस फर्दर ऑस्मोसिस। तो फिर इसको अंडरलाइन करो कि ये वेट राइज होने से ऑस्मोसिस रुक जाएगा, ठीक है। अ स्टेज विल बी रीच व्हेन नो ऑस्मोसिस अकर इवन इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट सेम ऑन दी टू साइड्स ऑफ दी मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देख लो, जबकि यहाँ बोल रहा है पहला पॉइंट में या थ्योरेटिकली ये बात बोल रहा है कि ऑस्मोसिस तब तक होना चाहिए जब तक दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे ये बताता है जबकि ऐसा है नहीं, ऑस्मोसिस जब दोनों तरफ का कंसंट्रेशन नहीं है सेम, लेकिन वेट बढ़ गया, ऊपर का वेट बढ़ गया जिसके कारण से भैया नीचे का पानी आने नहीं दे रहा है, ठीक है, नीचे का पानी को ऊपर आने नहीं दे रहा है। इन दिस स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम द वॉटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द बीकर टेंड्स टू फोर्स अपवर्ड थ्रू दी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा कि पानी कंसेंट्रेशन सेम नहीं है, पानी ऊपर जाना चाहेगा, पानी ऊपर जाना चाहेगा लेकिन नहीं जा पाएगा, ठीक है। बट द वेट ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द अबव होल्ड्स डाउनवर्ड, लेकिन ऊपर का वेट इतना ज्यादा हो गया कि उसको धकेल रहा है, ठीक है, वो भी ऊपर से धकेल रहा है कि नहीं अब मेरे पास जगह नहीं है, हम नहीं हटा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्रेशर को, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है, इस प्रेशर को हम लोग बुलाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बुलाए, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ है क्या सबको? यहाँ पे क्या हुआ, वापिस से ऐसे करके हम थीसल फनल बना देते, ठीक है, थीसल फनल यहाँ पे बनाए। अब तुम लोग देखो यहाँ पे क्या है, बीकर डाल दिए भैया। यहाँ पे पहले तो क्या हुआ, वही चीज एकदम सही सिंपल सा चीज बता रहे, यहाँ पे क्या है 20% सुक्रोज है, 20% सुक्रोज है तो कितना परसेंट वाटर है, 80%, ठीक है। तो पानी जो है वो कितना है, 80% तुम्हारा वाटर है, और बाहर पानी कितना है, 100%। तो देखो दोनों तरफ का कंसेंट्रेशन सेम है, नहीं इनिशियल स्टेज पे तो हमको दिख रहा है कि दोनों तरफ का कंसेंट्रेशन सेम नहीं है, तो भैया ये यहाँ से मूव करने लगेगा तो पानी का लेवल बढ़ते जाएगा क्या, बढ़ते ही चला जाएगा, नहीं, ठीक है। अब पानी जो इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर का प्रेशर, ठीक है, एक ऐसा समय आएगा जब ऊपर का वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये पानी को तुम कितना भी कोशिश करोगे ये ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है। अब ये पानी जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, पानी जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब ये ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को ही हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसी को क्या बुलाए, ऑस्मोटिक। पहले ऑस्मोसिस हो चुका है, पानी को जाना था वो पानी चला गया है, लेकिन अब एक समय आया जिसमें पानी और ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ऊपर का वेट, ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया है, ऊपर का वेट, ठीक है, ऊपर का वेट इतना ज्यादा हो गया है कि वो नीचे वाले को धकेल रहा है कि नहीं अब हम तुमको नहीं हटा सकते, ठीक है, तुम मत आओ, तो वो उसको धकेल रहा है, उसको आने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बुलाते हैं, इसी को क्या बुलाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, यही चीज है, इफ इन दी अबव एक्सपेरिमेंट, चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो वेट रख दिया, वजन, ठीक है, इफ इन दी अबव एक्सपेरिमेंट एन एयर टाइट पिस्टन बियरिंग सम वेट यहाँ पे बोला कि पानी नहीं चढ़ा है भैया यहाँ, ठीक है, अभी तक आप बोल रहे थे पानी चढ़ रहा है लेकिन एक समय आया उसके बाद पानी नहीं चढ़ रहा है। ठीक है, और पानी नहीं चढ़ रहा है तो यहाँ पे पढ़ो ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा तुम लोग को, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड। ठीक है, कौन लगा रहा है यहाँ पे बताओ, सुगर सॉल्यूशन की वाटर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन,
वेरी गुड, टू बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट को रोक रहा है, ठीक है, क्या चीज को रोक रहा है, सॉल्वेंट को रोक, सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है इन द सॉल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय अ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब यहां देखो क्या बता रहा है, हम फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ लो कंसेंट्रेशन है, यहाँ हाई कंसेंट्रेशन है बाहर, तो पानी हाई टू लो जा रहा है, पानी कहां से कहां जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है, तो चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, कब तक जाएगा, ठीक है, हाउ लॉन्ग ऑस्मोसिस कंटिन्यू, जिंदगी होते हर की तरह यहाँ भी क्या रहा है, जब तक दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता, तो थियोरेटिकली ये देखे, बाद में देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, जबकि दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम नहीं है, ठीक है, दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम नहीं है, फिर भी क्या हुआ है, ऑस्मोसिस रुक गया। ऐसा कैसे हुआ, तो भैया ऊपर का वेट इतना ज्यादा हो गया कि वो धकेल रहा, वो जाने नहीं दे रहा पानी को, ठीक है, वो पानी को क्या कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, हम गेट के इस तरफ खड़े हो गए हैं, ठीक है, हम लगा रहे 100 न्यूटन, ठीक है, और उधर से आके बच्चा लोग धक्का दे रहा है, ठीक है, वो लोग बस 80 न्यूटन ही लगा रहा है, बताओ क्या वो आ पाएगा अंदर, तो यहाँ भी वही हुआ है, ऊपर का वेट इतना ज्यादा हो गया है कि नीचे वाले को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है, ठीक है, मान ले क्लास खाली है, ठीक है, तब भी नहीं आ पा रहा है, यहाँ क्लास खाली है, लो कंसंट्रेशन है, बाहर में भैया भीड़ लग गया बच्चा लोग को, हम यहाँ लेकिन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, गेट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो तुम देखो कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन भी है तो भी वो अंदर नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि भैया गेट पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, वेट भी क्या है, फोर्स, तुम कितना फोर्स लगा रहा है, जितना तेरा बॉडी का वेट है, क्लियर हुआ, हाँ, तो ये जो फोर्स हाँ लगा, ठीक है, ये जो प्रेशर लगा है, ठीक है, ऑस्मोटिक, यही चीज बताए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो किसको आने नहीं दे रहा है, प्योर सॉल्वेंट को आने नहीं दे रहा है, इनटू द सॉल्यूशन व्हेन द टू आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन गेट को मान लो तुम लोग, ठीक है, गेट था पहले आने दे रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब कोरोना हो गया, लॉकडाउन लग गया, अब नहीं आने दे रहे, तो गेट लगा दिए हम, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे, घुसने ही नहीं दे रहे, तो यहाँ भी ये लोग भी वही चीज कर रहा है और कुछ भी नहीं है, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, भैया क्या लिखना है, इज ए मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू टेक इन वॉटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू टेक इन वॉटर बाय ऑस्मोसिस। अब भैया कौन सा वाला डेफिनेशन लिखे, दोनों चलेगा, वन वर्ड में आता है ऐसे करके क्वेश्चन, डैश इज अ सॉल्यूशन, डैश इज अ टेंडेंसी टू टेक इन वॉटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, या कभी कभी डिफाइन लिखने दे देता है, तो जैसा क्वेश्चन आए उस हिसाब से तुम इसको आंसर करो, तो यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो। इन अदर वर्ड्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट और प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलीफाई ऑस्मोसिस, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ पहला बार करवाया वही लिखना, ये वाला लिखना मत, ये तो समझाने के लिए हुआ कि ऑस्मोसिस रोकने के लिए, नलीफाई करने के लिए तुम जितना फोर्स या प्रेशर लगा रहे हैं वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है टोनिसिटी, टोनिसिटी क्या होता है, चलो समझते हैं, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड टोनिसिटी। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा चीज है और ये मार्क करो सब्जेक्ट, ये डेफिनेशन इस बार आएगा ही आएगा, ये पक्का रखो, टोनिसिटी का डेफिनेशन पूछा जाता है तो इतना सा याद करना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, तुम लोग रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पढ़ने वाले हो इस साल, ठीक है, तो रिलेटिव वर्ड कब यूज होता है, जब देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू सब्सटेंस, ठीक है, तब हम लोग रिलेटिव का वर्ड का यूज करते हैं, तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे वही चीज, एक तरफ भैया रखा हुआ है, एक तरफ रखा हुआ है आपका लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, एक तरफ रखा हुआ हाई कंसंट्रेशन, अब तुम लोग मेरे को बताओ पानी किधर से किधर जाएगा, हाई टू लो, पानी हाई टू लो जाएगा, तो पानी अगर
टू लो जाएगा, भैया पानी अंदर जाते जाएगा या बाहर पानी निकलते जाएगा, तो ये जो डिटरमाइन करता है उसी को कहते हैं टोनिसिटी। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं टोनिसिटी। तो दो चीज इसमें, डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, दोनों चीज बताता है, एक तो डायरेक्शन भी बताता है और कितना आएगा जाएगा ये भी चीज बताता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है तुम लोग को, यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। क्लियर है सब बच्चा लोग को? अब आता है कितने तरह का टोनिसिटी होता है, तो चलो अब वही है, कितने तरह का टोनिसिटी मतलब तुम ही बताओ कितने तरह का तुम सॉल्यूशन बना सकते हो। चलो हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन बैठ के यहाँ पे, भैया हम लोग कितने तरह का सॉल्यूशन बना सकते हैं, मेरे को तो तीन पता है। ठीक है, अब हम तुमको इस तीन के अलावा अगर कुछ दिखेगा तो तुम लोग मेरे को बताना। ठीक है, इस तीन के अलावा तुमको अगर कुछ लगे तो मेरे को जरूर बताओ। यहाँ पे भैया 20%, ठीक है, अब 20% छोड़ के हम यहाँ पे कर देते क्या लो, और बाहर का कंसेंट्रेशन हाई, हाई और बाहर का कंसेंट्रेशन लो, और यहाँ पे देखो सेम और सेम। ठीक है, अब बताओ इसके अलावा कोई बच्चा हमको कुछ बता सकता है? भैया एक ऐसा कंडीशन बना दीजिए तो, आप इसके अलावा बताओ कोई कुछ बता सकता है? अगर है कोई भी बच्चा, क्लियर है सबको, कोई कुछ इसके अलावा हमको कंसंट्रेशन नहीं बता सकता है कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है भैया हम बाहर में लो अंदर में लो, ऐसा नहीं बता सकता है? ओके, अगर नहीं बता सकता है तो हाँ इसके अलावा होगा भी नहीं। ठीक है, तो अब अगर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन सेम होता है तो वैसा सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आइसोटोनिक। ओके, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे ठीक है, फिर वही बता रहे, बुक में जो डेफिनेशन अभी बताने वाला है आगे वो सुगर के हिसाब से, और अभी हम जो तुमको बता रहे हैं वो किसके हिसाब से, वो तुम्हारा है वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो यहाँ तो देखो ये ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग बुलाते हैं हाइपरटोनिक। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बुलाते हैं? हाइपरटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन में जिसमें पानी का बोल रहे हैं, अभी बुक में देखना चीनी के लिए बताएगा यहाँ हाइपरटोनिक, और ऐसा सॉल्यूशन में हाई टू लो सॉरी हाइपरटोनिक है ना, ये हाइपोटोनिक होगा, ये हाइपोटोनिक और ये हो गया हाइपरटोनिक। ठीक है, ये हो गया हाइपरटोनिक। तुमको बता देंगे, तुमको एकदम कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे याद रखना है इसको। ठीक है, वो चीज हम बताएंगे। अच्छा, अब एक चीज बताना मेरे को जरा सा कि पहला सॉल्यूशन में बताओ क्या ऑस्मोसिस होगा? एकदम क्लियर बोल दिया भैया, पहले में ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, एकदम सही बोला है तुम लोग। ये इस चैप्टर का जान है, में सेल का डायग्राम बना के आएगा तो इसमें टॉपिक आता प्लाज्मोलाइसिस, उसमें ये चीज तुमको बताएगा ही, टोनिसिटी पे क्वेश्चन आना ही आना इस चैप्टर से, हम पहले ही बोल दे रहे, तो ध्यान से सुन लेना। अब एक बात बताओ, सब बच्चा हिप्पोपोटामस को देखा है? मोटा सारा होता है हिप्पोपोटामस। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ पानी किधर गया है? पानी किधर गया? अंदर गया। तो पानी अंदर गया, तो ये वेरी गुड। ठीक है, पहले तो बोला यहाँ ऑस्मोसिस हुआ है, और कौन सा ऑस्मोसिस हुआ है? तो हम यहाँ बोले ये स्वेलप कर गया, ये फूल गया, ये क्या हो गया? फूल गया। क्लियर है तुम लोग को? पहले बात तो ये बताओ, तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे ये फूल गया, हिप्पोपोटामस याद रखना, हिप्पो, ठीक है, क्या याद रखना? हिप्पो। तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बुलाएंगे। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल को रखने से वो फूल जाता है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? हाइपोटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल को रखने से वो श्रिंक कर जाता है, ठीक है, क्योंकि भैया पानी जो है निकल गया उसको हम लोग क्या बुलाएंगे जल्दी से बताओ? हाँ, यहाँ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पिचक गया उसको हाइपरटोनिक, उसको क्या बुला रहे? हाइपरटोनिक। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक ऑन बेसिस ऑफ टोनिसिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे दो चीज है, पहला तो रिलेटिव कंसेंट्रेशन, बाहर और अंदर। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज कर रहे, एक बाहर के लिए कर रहे और एक अंदर के लिए कर रहे, तो रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन उसके कारण से पता। देखो पहला चीज हम लोग ये लिखते हैं कि हाई है कि लो है, उसके बाद तुम डिटरमाइन कर रहे हो क्या कि किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा और कितना जाएगा। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, टोनिसिटी बुलाते हैं। ठीक है, तो पहला चीज तो ये हुआ। अब टोनिसिटी बताए यहाँ पे कितने तरह का सॉल्यूशन हुआ, एक हो गया आइसोटोनिक जिसमें दोनों तरफ का कंसेंट्रेशन क्या है सेम है, एक हो गया तुम्हारा हाइपोटोनिक जिसमें तुम्हारा बाहर का कंसेंट्रेशन हाई है और अंदर का कंसेंट्रेशन लो है। हम यहाँ पे कंसेंट्रेशन, हम सिर्फ और सिर्फ किसका कंसेंट्रेशन का बात कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल पे ही ध्यान रखेंगे। तो हाँ, तो वाटर मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन का बात कर रहे, तेरे बुक में जो बताया है वो सॉल्यूट के बेसिस पे बताया है, हम तेरे बुक पे चलते हैं। तेरे बुक में जो बताया है वो सॉल्यूट के बेसिस पे बताया है, हम तुमको एकदम समझाएंगे। ठीक है, बीच में भी कोई मत बोलना, खाली पहले सुन लेना फिर पूछना। क्वेश्चन है पहला, मतलब बताता है द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का बात कर रहा है एंड दिस सॉल्यूट, द रिलेटिव कंसेंट्रेशन of water molecule and the solute on either side of the wall, ठीक है, on either side of the cell membrane is same. In such a solution, there is no net movement of water molecule across the cell membrane and no osmosis occurs. किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, पहले बता। डायग्राम भी बना देते, ऐसे डायग्राम पीछे पेज में होगा। ठीक है, यहाँ पे हम तुमको बता देते। पीछे पेज में यहाँ पे देखो, ऐसे करके बाहर का कंसेंट्रेशन अंदर का कंसेंट्रेशन दोनों तरह का कंसेंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे भी ऑस्मोसिस ही नहीं हुआ। यहाँ पे क्या नहीं हुआ, ऑस्मोसिस ही नहीं हुआ। तो यही चीज तुम लोग को बताए। ठीक है, चलो हम आएंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, किशमिश और अंगूर वाले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, कि क्या होता है किशमिश अंगूर को पानी में रखने के साथ। ठीक है, तुम लोग को बाद में बताएंगे, पहले एक चीज सुन लो। अब यहाँ पे आते पहले, ठीक है, अब पहले अब आइसोटोनिक का पढ़ लिया, अब हाइपोटोनिक का सुनना और समझना सब अच्छा। यहाँ पे लिखता है इन दिस कंडीशन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज लोअर, क्या चीज का कंसेंट्रेशन बता रहा बताओ तो तुम लोग, लोअर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन। ठीक है, और हम तुमको जो पीछे डायग्राम में बताए थे, ठीक है, जो तुमको बना के दिखाए थे, वहां पे हम पानी का बात कर रहे हैं। ठीक है, देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल एज अ, ठीक है, एज अ रिजल्ट द वॉटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड विल मूव इन टू दी सेल। पानी जो है, देखिए भैया ये क्या बोला, चलो हम लोग बनाते हैं इसका डायग्राम। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है, चलो हम लोग इसका फिगर बना दे। इन दिस कंडीशन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, तो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो क्या चीज का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, पानी का, पानी का सॉल्वेंट का। और बढ़िया आंसर बोला। ठीक है, पानी नहीं होता हमेशा जरूरी नहीं है, पानी अगर है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और लिक्विड है तब हम लोग वहां पे, ठीक है, पानी के लिए खाली हम लोग नहीं बोल रहे, हम लोग सारा चीज के लिए बात करें, तो सॉल्वेंट बोल दिया, बहुत बढ़िया। ओके नहीं भैया, ओके हाँ, इन दिस कंडीशन द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। भैया बाहर में क्या है, ठीक है, तो तुम लोग बताया बाहर में हाई क्या है, हाई सुगर सॉल्यूशन नहीं, हाई वाटर मॉलिक्यूल कंसेंट्रेशन है। ठीक है, मतलब हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, और अंदर में कंसेंट्रेशन क्या है, कम। तो बता पानी किधर से किधर जाएगा, हाई टू लो, बाहर से पानी जो है वो कहां से कहां जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है। तो अगर अंदर जा रहा है तो बता यहाँ पे हाइपो, ये क्या हो जाएगा, फिर से बता कौन सा ऑस्मोसिस हुआ यहाँ पे, भैया ये हिप्पोपोटामस की तरह फूल जाएगा, ये स्वेलप कर जाएगा, तो इसीलिए इसको हम कौन सा नाम रखे हैं इसका, हाइपोटोनिक। तो हम याद रखने के लिए बच्चा लोग को हिप्पो बोलते रहते हैं, ठीक है, तो हिप्पोटोनिक याद रखना कि ये पानी अंदर की तरफ जा रहा है, पानी क्या हो रहा है अंदर की तरफ। तो यही चीज तुमको यहाँ पे हम बताएं पानी के हिसाब से, लेकिन डेफिनेशन जो बता रहा है तुम लोग को वो क्या चीज के हिसाब से बता रहा है, सॉल्यूट के हिसाब से। तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, इन दिस कंडीशन भैया द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज हायर सॉल्यूट, तो ये फिर से सॉल्यूट के हिसाब से बता रहा है। अगर हायर सॉल्यूट है तो क्या कम है, जल्दी बता, वॉटर। तो भैया बाहर का सॉल्वेंट, फिर से वेरी गुड भैया, इस बार बाहर में लो क्या हो गया,
सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन दैट इज वाटर कंसेंट्रेशन, और अंदर में क्या हो गया, हाई हो गया, तो अब बताओ पानी किधर से किधर जाएगा, अंदर से बाहर गया, तो भैया ये सेल ना पिचक जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा, तो ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन को हम लोग क्या बुला रहे, जल्दी बता, हाइपरटोनिक बुला रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज को यहाँ पे तुम लोग को ये डायग्राम के हिसाब से समझाया है, सब बच्चा लोग यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, ठीक है, यही चीज अभी हम तुम लोग को बताए हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो द थ्री टर्म्स आइसोटोनिक हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आर एक्सप्रेस्ड एज आइसोमोटिक हाइपोसोमोटिक या हाइपरऑसोमोटिक इम्फेजिंग द न्यूमेरिकल बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ वाटर, नहीं पढ़ना है सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, तुमको बस यही तीन ना आज तक बोर्ड एग्जाम में आया है, तो ऐसे इसका एक और नाम दे दिया और कुछ भी नहीं बता रहा है। रिजल्ट में भी फॉलो, तो तुमको रिजल्ट बता चुके हैं कि भैया आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों तरफ का कंसेंट्रेशन सेम होता है तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, उसी तरह तुम्हारा यहाँ पे देखो ये क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, हाइपरटोनिक पे रखने में क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा, हाइपोटोनिक में रखने में भी वो स्वेल अप कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है ना, पम्पकिन हो, वाटरमेलन हो, वो सब क्या हो जाता है, कभी कभी फट जाता है अपने आप, ठीक है। तो अपने आप जो फट या रखे रखे वो इस कारण से होता है कि इसके अंदर का कंसेंट्रेशन क्या हो, बाहर का कंसेंट्रेशन ज्यादा, अंदर का कंसेंट्रेशन कम, और भैया वो क्या हो गया, फट गया। तो इस पे कल हम तुम लोग को बताएंगे इस पे आगे, आज एक बार इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग पढ़ के रखना और टेस्ट का